आई थिंक so. अगर एक्साइटमेंट बिल्ड होती फिर है तो मैं रखते सोनू निगम टाइप जो हाँ। सोनू निगम करता है यार आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा माइक कंट्रोल सोनू निगम के क्योंकि मैंने कई बार लाइव शोज देखे बाकी लोगों के भी बहुत पास जाके वो सुर तेज लगा देते हैं पर सोनू निगम को पता है जैसे ही उसका सुर ऊपर जाने वाला होता है तो वो दूर कर देता है माइक सुनिधि चौहान और सोनू निगम आर वेरी बिकॉज दे परफॉर्मड लाइव शोज सो मच वो इतनी बार वो कर चुके हैं बचपन से कर रहे हैं आई थिंक वो अपने उसके पापा ऑर्केस्ट्रा में थे या कुछ और वो ये सब झगड़ाता वगैरह के गाने गाता था तो ही इज़ अ वेरी सीजनड सिंगर फॉर लाइव प्लेबैक भी अच्छा ही है बट लाइव के लिए अच्छा वेलकम टू अना द एपिसोड दिस इज़ द थर्ड एपिसोड बट ऑफिशियली द सेकेंड एपिसोड वी हैव द सेम गेस्ट अगेन चिराग क्योंकि पिछला वाला थोड़ा सा uh, रह गया था हम लोगों को वो पॉडकास्ट करना था हमने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछे थे कि इनको जवाब देंगे उसको डिस्कस करेंगे वो हम कर नहीं पाए थे तो दो क्वेश्चन आर नाउ गॉन क्योंकि डिस्कस uh, anyway, we'll uh, हो गया अब वापस सेम क्वेश्चन के ऊपर सेम ओरिजिनल रिएक्शन आ नहीं पाएगा ब्लाइंड रिएक्शन आ नहीं पाएगा बट एनी वे वी विल फाइंड समथिंग एल्स टू टॉक अबाउट है वी हैव अगेन फॉर द थर्ड टाइम बट ऑफिशियली फॉर द सेकेंड टाइम चिराग पंजमानी हाउ यू चिराग ऑल गुड तुम्हें ऐसा लगता है कि क्रिश थ्री आई थी और क्रिश थी तो टू उन रिकॉर्ड करी थी <laughs> बट उनकी ऑडियो खो गई थी इसलिए उनने वो ही रखा मुझे थोड़ा सा चुपती है वो बात कि देखो अगर तुम इतने एम्बिशियस कि तुमने पहली मूवी बनाई और तुमको hmm. पता है कि दूसरी आने ही वाली है तो तुम मूवी hmm. का नाम ऐसे क्रिश वन रख सकते हो पर कभी वो नहीं रखते वो क्रिश ही रखते हैं नाम इवन दो दे नो की फ्रेंचाइजी आगे बढ़ने वाली है तो या तो उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर उनको इतना आइडिया नहीं आता क्योंकि देख स्ट्रेंजर थिंग्स हैं ठीक है अब इसके नए सीज़न आ रहे हैं स्ट्रेंजर वन टू थ्री फोर बट दे केन ऑल्सो मेक प्रीक्वल स्ट्रेंज थिंग्स बीच में रखा <laughs> है तो जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है वो नॉर्मल थिंग्स जिनमें बस उसकी लाइफ जा रही है और वो ऐसी सब बातें कर रहे हैं कि मुझे लगता है टाउन तो बहुत सेफ है भाई साहब कुछ नहीं होगा यहाँ पे <laughs>

तो वो ऐसे करते हैं कि सर इसका मीट जो है हम सेकंड एपिसोड वो सीज़न में रखेंगे कि ये सारा सब कुछ फर्स्ट सीज़न का ही बिल्डअप है तभी तो अभी हड्डी लेके आए है <laughs> <laughs> तो मीट तूने अगली बार के लिए छोड़ा <laughs> तो वो कहते हैं कि भाई फर्स्ट ही देखेगा ही नहीं हम ही कैंसिल कर देंगे ऑडियंस ना करे इतने बोरिंग उसमें <laughs> <laughs> मेरा जो मैनेजमेंट है ना वो मेरे को मतलब ये इतना ज़्यादा सपोर्टिव मैनेजमेंट है कि मुझे मैसेजेस ये नहीं आते कि तुम्हारे लिए कोई शो आया ये आते हैं कि नेटफ्लिक्स ने सारे स्पेशल कैंसिल कर दिए नेटफ्लिक्स <laughs> <laughs> का एक मिलियन सब्सक्राइबर लॉस हो गया मैंने कहा भाई क्या तू बैड न्यूज बेयर है क्या तू ये तो बतागा भी कि मेरे लिए कुछ आ रहा है काम वो सब नहीं आता यही तो सब। आई थिंक वो तेरे को ये सब बताते रहते हैं कि थोड़ी अपनी रखना। लो रखना। लेकिन काम है ही नहीं भाई <laughs> <आम> क्या <खारें। laughs> जो स्पेशली तुम हम क्या कर, हाँ। कर रहे हो कि स्पेशल नहीं आ रहा है एंड्रू शूल्स का भी मैसेज आया उसने कि तुम इन सब लोगों के पीछे पढ़ो मत बट बात ये नहीं कि लोगों के पीछे पढ़ो बात ये कि लोगो ले ही नहीं रहे <laughs> ऐसा थोड़ी कि हमको नेटफ्लिक्स ने बहुत ऑफर दिया हम बोले नहीं हम तो यूट्यूब पे ही डालेंगे मैं तो रेडी लगा के बैठा हूँ सेल आउट कोई खरीदे तो आके तो सेल आउट होने को तैयार लेकिन सेल आउट हो ही नहीं रहा <laughs> मैं वेट मेरे सारे मेल्स में ड्राफ्ट में सेव्ड है सर कंफर्टेबल विद फुल फ्रंटल न्यूडिटी लेकिन कुछ आया ही नहीं अभी तक <laughs> तू क्या तू एक्टर बनने को तैयार है नहीं, नहीं।

तो एक डियर फादर उसका एक प्ले था जो गुजराती प्ले था फिर उसने हिंदी बना दिया तो उसमें वो एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें वो सेट फर्स्ट फ्लोर पे है वो नीचे करके ऐसे करता है बात लेकिन वो अपनी वॉइस ऐसे मॉडलेट कर लेता है कि ऐसा लगता है कि तुम ऊपर से सुनाई दे रही आवाज़ तो उसको बिना माइक के बिना उसके ये सब कुछ वॉइस मॉडलेट करना आता था जो कि अगर मुझे आता मैं तो भैं चो प्रैंक ही करता रहता पूरे दिन घर पर बट माइक क्यों नहीं खरीद लेते हाँ अरे नहीं वो थिएटर के अकोस्टिक्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सबको सुनाई दे रहा था हाँ। लेकिन उसको वॉइस ऐसे मॉडलेट करना आ रहा था कि ऐसा लग रहा था अब दूसरे फ्लोर से आवाज आ रही है आई अंडरस्टैंड वो और एक्सरसाइजेस कराते हैं काफी हाँ, वॉइस हाँ, मॉडलेशन ये, ये सब समझ में आता है बट जैसे थिएटर शुड थिएटर मिमिक रियल लाइफ और मतलब अगर it, तुम इट डज इट इज बोरिंग लाइक रियल नो बट आई एम सेइंग जैसे अगर मैं नॉर्मली बात कोई रोमांटिक बात हो रही है तो मैं जाके बोल रहा हूँ किसी से कि यू नो आई लव यू तो मैं सुन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कुछ कुछ जो रियलिस्टिक प्लेस होते हैं और प्लस उसमें जो ऊपर माइक लटके होता, लटके होता, उसमें। काफी दूर होता। तो उसमें तो लोग नहीं चिल्लाते हैं ये जो प्रॉब्लम कह रहे ना मेरे को उसमें आती है म्यूजिकल देखने में मुझे कोई नहीं झेला जाता ना मैं म्यूजिकल देख सकता हूँ ना मैं थिएटर देख सकता हूँ क्योंकि तुम मतलब वो अपसेट है फिर ऐसे ये सारे आंसू करके भाई हाँ, <laughs> <laughs> मैं एक थिएटर देखने गया था एक प्ले देखने गया था थिएटर में और वहाँ पे उन लोगों ने जैसे ऐसा होता है ना कि तुम्हारा जोक है फिर पंच लाइन है ख़त्म हो गया अब तुमको यहाँ पे रोकना होता है हाईएस्ट पॉइंट आ गया रोकना होता है वो रोकते ही नहीं भाई मुझे ऐसा लगता अब खत्म हो गया फिर पाँच में और चला मैंने कहा चलो इस बार वाले में खत्म मतलब जोक कह रहा है कि कोई सीन कुछ भी मतलब सीन ही मतलब वो प्ले का आई थिंक एंड मिल चुका था लेकिन उसके बाद उन्होंने 25 मिनट और किए और फिर वो ना अपने पूरे क्रू को और अपने दोस्तों को बचपन के दोस्त को माली को सबको ले आते हैं मतलब <laughs> बहुत सारे लोगों को ले आए स्टेज और पे सब और सब हाथ मिला के हाँ जुड़ने और भाई इतना परेशान कर देते हैं इमोशनल बोल बोल के कि तुमको खड़ा होना ही पड़ता है तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा ही मिलेगा एंड देन दे पुट इट आउट कि वन फिफ्टी शोज स्टैंडिंग ओवेशन इन ईच भाई तुम मौका ही नहीं दे रहे हम तो जाना चाहते थे तुम जाने भी नहीं दे रहे हो तुम बार बार बोल बोल के गिल्ट कर करके खुड़ेद खड़ेद के तुमने खड़ा करवा दिया hmm. और फिर तुमने वहाँ पे बाहर लिख दिया हम मैं तो जाके एक काट दूंगा वन फोर्टी नाइन ओनली मैं तो नहीं दिया था स्टैंडिंग ओवेशन तो तेरे मन में स्टैंडिंग ओवेशन की कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू है क्या मतलब वैल्यू है लेकिन वैसा नहीं जैसा हम लोग देखते हैं कि तुमने उनको खड़े हो वहीं पे रुक के स्टेज पे बिना गए हुए वहीं पे खड़े होके थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू बोल बोल के उनको परेशान कर करके ही ही रहेगा ये ये तो वो तो वो तो वो तो खड़े हो ही जाएंगे ला बोलेंगे ला भाई ये, इसको चाहिए होगा तभी रुका हुआ है <laughs> है ना वरना तो स्टैंडिंग ओवेशन जनरली तो ऐसा होना चाहिए जो मैंने देखा एक दो बार कि इतना बढ़िया बंदे ने परफॉर्म किया कि वो जा रहा है और लोग खड़े हो गए वो कुछ नहीं रुक रहा है वो कह रहा है थैंक यू सो मच वो जैसे ही उसने चलना शुरू किया माइक से लोग खड़े हो गए ताली बजाने लगे दैट इज स्टैंडिंग ओवेशन जो एक साथ मिलती है ये नहीं कि तुम रुके हुए हो और उनको फोर्स किए दे रहे हो आंखों से कि भाई नहीं खड़ा होगा या दोस्त तो तो अब ये वाला कॉमिक्स जो सी ऑल्ट में करते हैं कि दोस्तों दो सेकंड के लिए खड़े हो जाओगे गाइस मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई अरे हाँ अब ये हैक हाँ, हो गया है क्योंकि तो इतनी तो बार सीट के नीचे बॉम्ब रखा हुआ है कोई <laughs> <है। laughs> नहीं मानेगा भाई

तो वन पंच मैन में वो बेसिकली बहुत फनी शो है तो वो सुपर हीरो है बट ही इज़ सुपर हीरो फॉर नथिंग ऐसा उसने दिखाया तो उससे सब लोग पूछने की भाई तुम्हारी इतनी ख़तरनाक पावर है इतनी तुम्हारी बॉडी है और इतना स्टैमिना सब कुछ तुमने कैसे किया तो कहता है कि मेरा एक रजीम है हंड्रेड पुशअप्स हंड्रेड सेटअप्स हंड्रेड क्रंचेस एवरी डे और नो ए सी नो हॉट वाटर भैया इतना बताया दोस्तों नो ए सी नो हॉट वाटर नो गीज़र नो ए सी अच्छा But गीजर ख़राब होता है नहीं नहीं वो कहता है कि गीजर यूज मत करो और एसी कभी ऑन मत करो नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे रहो और हंड्रेड पुशअप हंड्रेड सिटअप और हंड्रेड कहता है ये बस करना तुम हंड्रेड पुलअप होगा हंड्रेड पुलअप बस क्यों बोल देते हैं ऐसे कि की फिर हाँ, भी कम है उस हिसाब से वो सुपर पावर है उसके पास वो एक पंच मारता है और लोग मर जाते हैं तो वो तो नहीं आएंगी ना तो उसमें जो कि है वो बोलता है सबको कि मैं यही करते हुए आ रहा हूँ और इतनी मेरे अंदर ताकत आ गई है कि मेरे बाल उड़ गए मैं गंजा हो गया मेरी बॉडी पूरी फूल ऐसे हो गई इतनी जैसे वो कहते हैं सारे सारेब्स जब वो बॉडी बना लेते कि आपका डाइट कहता चिकन और ब्रोकली हाँ और स्टेरॉइड्स नहीं बताते <laughs> और ये नहीं बताते कि हमने दस लाख रुपये दिए थे फिटनेस वाले चिकन और ब्रोकली फ्लेवर्ड स्टेरॉइड्स

स्टेरॉइड लेने से छोटा हो जाता है ये सब पर हम लोग की वही इमेज है ये नहीं पता है कि स्टेरॉइड बहुत तरह की तो कॉटिको स्टेरायड होता है जिसकी तू बात कर रहे हैं और हमारे जैसे कान में भी जो डाला था वो भी वही था तो सिस्ट छोटा करने के लिए उसने डाला था पर मैं उससे वही बोल रहा था कि कैसे भाई साहब बढ़ेंगे <laughs> तो <वो> डॉक्टर है <laughs> और उसने कुछ थोड़ा सा स्माइल करी उसने उसका इशारा ये था कि जाओ यार यार भाई वो वैसा होता है कि बच्चे आगे पूछते हैं कुछ <laughs> <laughs> आ, हाँ बेटा हाँ यही होता है चलो जाओ बोर मत करो तो वही था अरे मैं तेरे को बता रहा था तो हम लोग ने ये डिस्कस किया था क्या पहले वाले में कि आई कॉन्टैक्ट कितना रखते हैं अच्छा फर्स्ट नहीं लेकिन करा नहीं था इसमें नहीं आया था आया नहीं था हाँ, हाँ। आ, वही मेरा कन्फ्यूजन हमेशा से रहता है यही कि आई कांटेक्ट कितना रखना चाहिए किसी के लिए ये वैसा होता है कि बस एक बार अगर तुमने तुम्हारे दिमाग में आ गया थॉट अब तुम फिर कॉन्शियस ही रहोगे फिर खराब हो जाएगा तो बढ़िया किया तूने पॉडकास्ट के पीछे <laughs> <laughs> नहीं नहीं जनरली ऐसा होता है ना कि कॉन्वर्सेशन में तुमको लग रहा है कि तुम किसी को ज्यादा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो है ना या तो तुम नहीं देख रहे हो अगर एकदम ही चुरा रहे हो ऐसे <laughs> बात कर रहे हो वो भी अजीब है बट अगर तुम देख रहे हो तो कितना देख रहे हो और लड़कों के साथ इतना इशू नहीं है बट लड़कियों <laughs> के साथ थोड़ा सा इशू है कि है ना <laughs> कि मैं लड़की की आंखों में ही देखे जा रहा हूँ हाँ तो बताओ तो वैसे तो एक अच्छी चीज़ है कॉन्फिडेंट <laughs> चीज़ है और तुमको सर, आँख में देख के बाद ऑर्डर बताइए वेट कर रहे हैं लोग लाइन में ये तुम्हारा आई कॉन्टेक्ट वाला ये जो ट्रिक है ये यहाँ नहीं चलेगी बहुत सारे लोग अच्छा हाँ एक क्वेश्चन किसी का था जिसने जो कि हम लोगों ने शायद डिस्कस नहीं किया था जिसमें उसने पूछा था कि और ये शायद दो तीन लोगों का क्वेश्चन कॉमन चीज़ है कि ट्वेल्थ के बाद आ, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती लेकिन मुझे वो भी नहीं पसंद है पैशन भी नहीं फॉलो करना मुझे hmm. तो मैं क्या करूँ कैसे डिसाइड करना है कि क्या करोगे तूने कब डिसाइड किया था और कैसे डिसाइड किया था कि मैं जॉब छोड़ना हूँ जब भी hmm. और जॉब जब करना शुरू किया था तब तेरे को कुछ आइडिया था आर्ट का क्या सीन था तो इंजीनियरिंग तो ऐसे था कि अगर तुम्हारे टेंथ वेंथ में अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं तो वैसे कर देते हैं कि ये ब्राइट स्टूडेंट है उसको इसमें ही जाना चाहिए कम से कम आगरा में ऐसा था तो जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो पढ़ने वाले बच्चे भी कॉमर्स वॉमर्स लेते हैं कि ये तो बड़ा ऑर्ड है मतलब आगरा में अगर कोई अच्छा टॉपर स्टूडेंट कॉमर्स लेता था हाँ तो लोग ऐसे कहते थे कि इतना ही था बस और नहीं पढ़ना है तुमको रेस्ट करना है अभी क्या है <laughs> पढ़ना मतलब हाँ, मतलब करना वहाँ पे दिल्ली में देख रहा हूँ जो ह्यूमैनिटीज करके भी एक स्ट्रीम है ये सब कुछ तो पहुँचे ही नहीं थे आगरा में तो इंजीनियरिंग तो ऐसे ले लिया था हुँ. और जॉब फिर क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में, में मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं सोचता था जॉब में कितनी मैक्सिमम क्रिएटिविटी ला सकता, सकता हूँ तो उस हिसाब से जो लोग कहते थे उस टाइम पे कि क्लाइंट फेसिंग रोल है अगर हमारा और तुम एक पीपल्स पर्सन टाइप के हो तो ये अच्छा फिट होता है तुम्हें हार्ड टेक्निकल जॉब करने की जरूरत नहीं है इस चक्कर में उस टाइम पे कंसल्टिंग ढूंढा था मैंने तब पी डब्ल्यू सी में जॉब करा था फिर उसके बाद पी डब्ल्यू सी क्या है पब्लिक वाटर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स वो वो पब्लिक वाटर वर्क डिपार्टमेंट हाँ वो पी डब्ल्यू डी हाँ फिर उसके बाद ऐसा था कि वो मेरे को स्टैंडअप में, में मज़ा आ रहा है इसका मतलब मैं मीडिया में इंटरेस्टेड हूँ अगर मेरे को कुछ इसके आसपास पास कुछ जॉब मिले या कुछ मिले तो इस चक्कर में फिर मैंने कि ओ माइक में एक मीडिया स्पेशलाइज्ड एम होता है फिर सोनी में वहाँ से गया और फिर ले जा अच्छा ये भी नहीं करना है मेरे हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो तुम वही कर रहे हो हाँ जो तुम्हें मतलब तुम्हें एक मिल गया है कि तुम्हें ये चीज़ करना अच्छा लगता है अब फिर तुम ढूंढते हो क्या इसका कोई मोनेटाइज्ड वर्जन है बहाने <laughs> ढूंढ रहे हो कि जॉब कैसे करी जाए साथ में पैसे creative. आ रहे हैं और तुम्हारे को खाओ का खर्चा ना हो या इसलिए ढूंढा था, yeah. था। <laughs> तूने तूने ना फर्स्ट कैसे सिलेक्ट करा था जॉब यार भाई इंजीनियरिंग वाले ही सीन था कॉलेज गया था मैं इंजीनियरिंग कॉलेज देख मुझे तो गलत भी नहीं लगता जब लोग बोलते हैं कि कोई पढ़ाई मच है इंजीनियरिंग करो उस टाइम पे खराब लगता था बस उस टाइम उस टाइम पे लगता था बट इफ यू थिंक अबाउट इट बहुत मतलब इंजीनियरिंग में यार सबको जॉब तो मिल जाती है अगर तुम ठीक ठाक कॉलेज गए हो सबको जॉब मिल जाती है विच इज़ अ ग्रेट थिंग इफ यू थिंक अबाउट मिडिल क्लास किसी फैमिली में तुम जाके अपने कर्जे वर्जे उतार सकते हो अगर तुमने लिया है वो सब कर सकते हो नहीं <laughs> मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा भाई मेरे कोई नहीं बट मेरे घर वालों ने पूरे पैसे अप्रंट दे दिए कि लो भाई बट आई एम से अगर है ऐसा hmm. आ, कि तुम बी करो या कुछ करो बड़ा मुश्किल है भाई ah, है ना है. तो बाहर तो से बड़ा अच्छा लगता है कि तुमको जो मने करो लाइफ में लेकिन तुम कमाओगे कैसे वो भी सोचना तुम्हारा ही काम है भाई तुम्हारे घर वाले तो तुमको करवा देंगे लो लो कर जैसे जिसने क्वेश्चन पूछा ना कि मैं अपना अभी तक पैशन डिस्कवर नहीं कर पाया हूँ हाँ। इवेंचुअली तुम्हें क्या काम में पसंद है वो हाँ। मिलेगा।, मिलेगा मिलेगा लेकिन तक तक तुम्हें एक एम्प्लॉयबल स्टेट में रहना तो उसके लिए कोई एक भाई ऐसी डिग्री कर लो जिसमें कुछ वो मिल जाए और प्लस मुझे hmm. इसका एग्जाम्पल तो मैं नहीं दूंगा मैंने हाँ. देखे हैं around, बट जो लोग होम स्कूल्ड होते हैं या फिर जो लोग लो ना भाई होते हैं, के, होते हैं भाई, के बाद जिसने तुरंत काम करना शुरू कर दिया हाँ। ऐसे मैंने दो तीन ऑफ होते हैं हक कर रहे हैं फिर हम करने लग जाते हैं और वो ये वाले लोगों से मैं नहीं मिला मैं वो तो तो तू थोड़ा अलग मिला बेसिक एटिकेट्स सी नहीं है बेसिक एटिकेट नहीं है थोड़ा सा वैसा भी दो चीजें हैं इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मिक्स है उनके इनफीरियर एक्चुअली सेम ही होता है जो कि सेम होता, सेम होता है कई बार हाँ। होता तो ये है कि क्या हम हम कॉलेज नहीं गए तो हमारी कुछ वैल्यू नहीं है क्या आ, ये साले कॉलेज वाले क्या करते हैं बट है? <laughs> <laughs> उनके में ये रहता है कि क्या कॉलेज नहीं गए हाँ. हमने दुनिया देखी है हमने जॉब किया है जब तुम बैठ के अपने घर वालों हाँ. के पैसे खा रहे थे तो हमने जॉब किया हाँ. एक ये हाँ. रहता है और दूसरा है ये कि हम जस्ट uh, बिकॉज तुम अच्छे कॉलेज चले गए डजेंट मीन योर एवरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो दोनों में उनका सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी मिक्स वाला एक ब्लेंड है जो कि बड़ा मतलब अगर तुमको सुनना पड़े सेकेंड हैंड तो बड़ा दर्द करता है इट्स नॉट अ गुड फन एक्सपीरियंस ये तुम्हारा एक इंडिविजुअल सेल्फ तुमने किताब पढ़ के कुछ शोज देख के ये सब कुछ कुछ डेवलप कर लिया अब वो तुम्हारे आसपास वाले लोगों को ही काम आएगा भाई कि

खराब सा लग रहा है अरे तीन <laughs> आते समझ नहीं आ रहा कोई, कोई बात नहीं कब से खराब सा लग रहा है जन्म से <laughs> <laughs> एक एक जोक सुना <laughs> मैं जोक बुक के जोक पढ़ता हूँ तो बहुत फनी मुझे लगा था कि एक औरत आती है डॉक्टर के पास बुढ़ी औरत है एटी फाइव ईयर्स करीब और कहती है ये डॉक्टर थोड़ी देर बात कर रहे होते वो उसके बाद कहती है कि डॉक्टर मुझे एक प्रॉब्लम है मैं ना फाट करती रहती हूँ हर टाइम मतलब hmm. दिन भर मैं फाट करती रहती हूँ और मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ पंद्रह बार आई है फाट इड hmm. वो आपको पता नहीं चलता क्योंकि इट डज़न स्मेल एंड इट डजन इट्स नॉट लाउड साइलेंट है और स्मेल hmm. बिल्कुल नहीं करती लेकिन फिर भी परेशानी तो है ही <coughs> तो डॉक्टर कहता है अच्छा ये दवाई लीजिए hmm. है ना एक हफ्ते लीजिए उसके बाद आइएगा तो एक हफ़्ते बाद आती है और कहती है क्या आपने दवाई दे दी साइलेंट तो अभी भी है लेकिन बदबू बहुत आ रही है <laughs> तो कहता है अच्छा ठीक है साइनस आपको खुल गया अब आपकी कान का कुछ करते हैं <laughs> <laughs> तो एज अ डॉक्टर यू कांट जंप टू दल्यूशन इमीडिएटली ऑल्सो दिस इज अफकोर्स जोक है लेकिन यह बड़ा वैसा है कि ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेजेस में कोई क्लास पढ़ाने से पहले है सुनाएंगे और फिर बोलेंगे, कि यहाँ पे कोई भी दूसरी बॉडी हो हुँ. मेरा हाथ एकदम सॉलिड बिल्कुल उसमें नहीं। ये मुन्ना भाई नॉट थ्रीट सॉरी मुन्ना भाई में हाँ तो कहता है कि बिल्कुल नहीं हिलेगा लेकिन मेरी बेटी अगर है तो इमोशनल हो जाऊंगा तो ये करूंगा जो भी है बट ये एग्जाम्पल उस क्लास के पहले ही अच्छे लगते हैं अगर इफ़ यू डिटैच द क्लास रूम है तो एग्जाम्पल बहुत छूती है द सेम थिंग ये जोक मैंने इसलिए यहाँ पे बोला क्योंकि तू वो बात कर रहा था बट डॉक्टर्स का काम यार स्पेशली फॉर किड्स अगर पीडियाट्रिक कोई सर्जन है या पीडियाट्रिक डॉक्टर है तो अगर तुम बच्चे को कंफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी सारी मेडिकल नॉलेज सब कुछ बेकार है वो वो करने ही नहीं देंगे बच्चे एंड द सेम विथ ओल्ड पीपल और वट एवर सिर्फ हमारे एज के लोग या पीपल हु आर वेरी टॉलरेंट वो लोग तुम्हारा सुन पाएंगे और सिर्फ तुम्हारी मेडिकल नॉलेज के हिसाब से तुम्हारा काम हो तो uh, मेरे पेरेंट्स क्योंकि दोनों दो, डॉक्टर तो वो बताते हैं कि हमारी जनरेशन जो जिसको इंटरनेट को एक्सेस है कहते हैं सबसे डॉक्टर साहब कुछ माइटोकॉन्ट्रा में लग रहा है मुझे यार तुम चुप रहो मेरे को दिमाग मत खराब करो

और डॉक्टर बोलेंगे कि इसमें तो ऑपरे ऑपरेशन की क्या जरूरत है <laughs> अरे भाई बच्चा नहीं आ रहा तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी से तो ऑपरेशन करेंगे नहीं डॉक्टर साहब ये देखो वेब एम पे लिखा हुआ है कि नहीं है ज़रूरत है ऑपरेशन की yeah, तो yeah. क्या yeah. बोलेंगे no, ये जो तो बोल रहे ना कि बूढ़े लोगों को कम्फर्ट करना होता है एक yeah. बारी आ, मेरे डायट किसी को दिखाने गए थे तो हम वेट कर रहे थे किसी क्लिनिक में तो जो एक अंकल थे कुछ 80 85 के रहे होंगे अपने बेटे के साथ आए थे तो उनका बेटा उनको बोल डॉक्टर बोल रहा था कि इनके किडनी फेलियर का इशू है इनका क्रिएटिनिन इतना ऊपर रहता है तो भी ये फ्रूट्स खाने पे इंसिस्ट करते रहते हैं आपने स्पेसिफिकली बोला हुआ है हाँ फ्रूट्स मत खाओ हाँ तो वो जो बुड्ढे अंकल थे वो कहते हैं तो क्या अब से मैंगो बंदी <laughs> <laughs> अभी खाऊंगा ही नहीं कभी मैंगो <laughs> भाई तू क्या बोलेगा एज अ डॉक्टर पता क्या बोलेगा तुम <laughs> मैं बोलूंगा नहीं नहीं अंकल धीरे धीरे कम करेंगे ऐसा खत्म कुछ नहीं करना है प्रॉब्लम ये होती है कि अगर तुम थोड़ा भी, भी खाओ तो तुम्हारा वो पैरामीटर्स एकदम शूटअप कर जाते हैं तो से होता से मुझे है, मुझे आप परेशान मत करिए मैंगो का हमारे पास सबसे और फिर वो खा के फिर कभी ही ना खाए भाई मुझे लगता है अगर तू डॉक्टर होता तो बोलता ये सब अपने घरेलू झगड़े यहाँ पे लाया करो मैंने पर्चे पे लिख दिया विंडो <laughs> से मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता वो डॉक्टर ने पता क्या बोला <laughs> डॉक्टर उनको देखा कहता है सिर्फ बर्थडेज पे <laughs> बहुत अच्छा बहुत ही अच्छी लाइन भाई की तुमने उनको कंफर्ट भी कर दिया है अभी कितना दूर है क्या है बर्थडे सब देखा जाएगा इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि इट्स इट्स अ पीपल्स जॉब इट्स अ परफॉर्मेंस आर्ट आल्सो बीइंग अ डॉक्टर क्योंकि तुमको हर दिन एक ऑडियंस आती दो तीन ऑडियंस आती हैं हर हर पंद्रह मिनट में और तुम्हें भाई ठीक परफॉर्मेंस करनी है <laughs> ये तो तुम दे ही देते हो हाँ तो इसके लिए तुम्हें तो एक मेडिकल कॉलेज में एग्जिस्ट करना ज़रूरी है कि तुम देख रहे हो लोग कैसे किसके साथ डील करते हैं क्या करते हैं ये चीज़ आइसोलेशन में तुम नहीं सीख सकते नहीं सीख सकते रोज बो... तुम्हारे पास कोई एक बॉडी ला के तुम्हें कुछ सिखा दे तुम्हें पब्लिक में एग्जिस्ट करना आना ही चाहिए भाई जो तू बोल रहा है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल एक शो है उसका नाम है द गुड डॉक्टर सोनी लिव नाम और, की बहुत ही घटिया अगर आपको देखना हो भाई मैंने एक वो करा था जब सोनी लिव पे रॉकेट बॉयज लॉन्च हुआ था न, ना तो मुझे लगा था फाइनली इन्होंने एक शो लॉन्च करा है जो उसी एरा में सेट है जिस एरा में इनकी टेक्नोलॉजी है <laughs> 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 नहीं सही बात है यार सोनी लिव ने तो हद कर रखी है तो गुड डॉक्टर जो है वो इसी सेम चीज़ है कि ये लड़का है वो प्रॉड है वो एकदम जीनियस है वो

कि हो गए तुम कहीं के जीनियस अपने घर पे जाके करो भाई यहाँ बैठ के हमको मत परेशान करो तुम वो पता क्या करता है वो पेशेंट्स को परेशान कर देता है ये बोल के कि हाँ तुम्हारा अब तो ये खराब है ये खराब है और ये सर्जरी भी करवानी पड़ेगी हुँ. और वो अभी ऑलरेडी उसके स्पाइक हो रखा है वो मर जाएगा तो वही उसके डॉक्टर्स उसको वही समझा रहे थे और कई सारे डॉक्टर्स थे जो अगेंस्ट थे उसको हायर करने के वो कह रहे थे कि भाई

नहीं तो वो वो कंपेयर कर रहे हैं सब संजीवनी वगैरह उससे तो बेटर ही एपिसोड में दिखाया मेडिकल बायोमेडिकल ये दिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स होते हैं <laughs> ये ये भी है जैसे गिल्टी माइंड्स है ना शो मैंने देखा तो वो उसके ऊपर लॉयर्स के ऊपर लॉयर फॉर्म एक लॉ की फॉर्म है और दूसरा बेसिकली एक है जो

वो बातें टर्मिनोलॉजी साइंस की बोल रहा है बट इट मेक एनी सेंस वो कुछ भी बोल रहा है तो वो तो हमेशा ही सारे सुपर हीरोज में ऐसे ही करते हैं कि जब उनके पास एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है ये एक प्लानट से आया वहाँ पे होता है ये पर इसमें ऐसा नहीं है ये यहीं से आया है <laughs> पावर्स भी यहीं से मिली हैं <laughs> बनी है उसकी <laughs> पावर और वो डिफाइन भी करते हैं तो वो साइंटिस्ट बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं फेंक रहे होते हैं बड़ी बड़ी बट आई सर्च ऑल रॉन्ग साइंस इज ऑल रॉन्ग कुछ भी अपने मन से बना के बोले जा रहे हैं वो लोग तो, तो वो थोड़ा इरिटेट <laughs> <laughs> so, जब ये सब डिस्कस कर रहे होते तो फ्लैश बार खड़ा होकर कह रहा होता है ये बातें करने वाले ना वो बातें करते-करते जाते हैं इनको काम करना होता है वो तो खत्म कर देते हैं काम ऐसा डायलॉग एक बार मैंने सड़क पे सुना है मैं ऑटो में जा रहा था मेरे बगल में एक दूसरी ऑटो जा रही थी ये दोनों जो ड्राइवर हैं अगल-बगल हैं और बीच में से ना एक बाइक वाला ऐसे निकल गया तो ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले से कहते है ये वाले पढ़े लिखे तो होते नहीं मैं <laughs> <laughs> ये तो यही ये करेंगे और क्या है इनके लेवल का काम भाई मुझे इतनी हंसी है और मैं खुद बाइक चलाता हूँ तो मैंने कहा यार दो तरफ से तर। वो बोलते मैं से अपने स्पेक्स उतार के कि बाइक वाले तो जाहिल सारे के सारे बट <laughs> <laughs> इतना फनी था उसमें कोई नहीं किसी ने नहीं लगे हम क्यों मुंह लगे बाइक ये बाइक वाला कभी अच्छा काम नहीं कर सकता ऐसा कुछ बोला उसने बहुत फनी हाँ यार जॉब वगैरह की हम लोग बात कर रहे थे बट ये बहुत लोग पूछते हैं जैसे कि तुम कब वैन इज द राइट टाइम टू क्विट योर जॉब वर्ड मैम मैं बोल रहा हूँ भाई वो तो सिर्फ पैसे Monsoon. से सोन हाँ <laughs> 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 जुलाई एंड में छोड़ दिया करो जैसे आई टी आर भरा तुमने छोड़ दो बट इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है बट आई थिंक टू कीप

तो देन फाइंड अ वे टू अर्न मनी कुछ <laughs> करते रहो <रहूं। laughs> ये मत सोचो कि अरे इन लोगों ने भी छोड़ा था तभी इनका काम बना था पर वो इधर उधर जो हाथ पैर मारते हैं वो लोग बताते नहीं हैं है हाँ। <laughs> क्योंकि बहुत चीजें करनी पड़ती हैं भाई तुम तो मतलब टू तु अफोर्ड लिविंग इज नॉट एज ईजी क्योंकि जो लोग जॉब कर रहे हैं नाइन टू फाइव बहुत सारे लोगों का मन नहीं है करने का हाँ। बट फिर क्या करें भाई तुम बता दो कोई ऑप्शन कहीं से पैसे मिल रहे हो या मतलब अपने क्यूबिकल वगैरह में फैमिली की फोटो रखते हैं कि इनके चक्कर में करना पड़ रहा है याद याद मन, रहे हाँ वरना लड़ना मेरे को फर्क पड़े फिर <laughs> से और फिर एक्सपेक्टेशन से किसको मन नहीं है कि वो ये क्या कहते हैं उसको सबैटिकल लेके दो साल ही और अब घूमे किसको मन नहीं है? तुम एक ग्रुप में पूछोगे सौ लोगों के आई थिंक नाइनटी लोग बोलेंगे कि है मन और एक जो वैसे भी जाता है पर uh, मैं ऐसे दो महीने घूमने में बहुत बोर हो जाऊँ ऑफकोर्स बट आई एम सेंग इफ यू हैव दैट क्वेश्चन ऑफ मनी मैं तो साल भरी घूमता रहूंगा uh -huh. भाई ये पैसे खर्च करना किसको नहीं पसंद है यूं फेंकना <laughs> <कि> लाओ भाई <laughs> पहले मुझे लगता था मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ फिर मैंने जब ढूंढा कि मुझे क्या क्या चाहिए हाँ, मुझे तो ये भी चाहिए। सही मटेरियल का एक्सेस नहीं नहीं था हाँ, पैसे नहीं। है हाँ। भाई मुझे इस समय मैं इस चेयर पे बैठा हूँ मुझे ढाई लाख की एक मसाज चेयर पसंद है क्या करूँ की से लाऊ तो मटीरियलिस्टिक सब होते हैं बस जिसके पास एक्सेस है वो दिखता है और बाकी बस मन में दबा के बैठ जाते हैं कि मेरी हॉबी तो ट्रेवलिंग है exactly. और वो वो हॉबी सबकी है यार पैसे खर्च नहीं नहीं मैं एक बजट ट्रिप बना देती हूँ जो कि दस हज़ार में तुम सात दिन मैं कहा भाई उससे भी बेटर बजट ट्रिप है कि मैं अपने रूम में ही बैठा रहता हूँ <laughs> कहीं कहीं नहीं जाता हूँ क्योंकि ये मेरे एक्चुअल बजट से मैच होता है और यार ये बजट ट्रिप जो होती है ना जैसे हुँ. वो तुमको एक तो सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इन यूट्यूबर्स पर आता है जो बोलेंगे कि पंद्रह में स्पेन में तीन दिन ठीक है और फिर वो तुमको दिखाएगा अपना तरीका भैया जो भीख मांग रहे और जाओगे दुकानों, हाँ। दुकानों से इसका <laughs> हाँ। तो ये प्लान है की तुम बहुत सारा लोन ले लो एक फॉल्स आइडेंटिटी में और फिर फरार हो जाओ माल्या वाला एक पता है हाँ वो बजट ट्रिप है लाइक कीजिए ये हैक थोड़ी भाई। बहुत ही गंदे और एक, एक तुम दिखा रहे हो दो मिलियन लोगों को हाँ। कि ये करो सही रहता है उन लोगों को कैसा लग रहा हो और प्लस ये भी है यार। डिनर में क्या खाया मैंने सत्रह अलग फ्लेवर के आइसक्रीम के चम्मच खाए <laughs> <laughs> साला गाली दे रहा था लेकिन पेट तो भर गया बट यार देख ये भी है कि तुम इतने हो जो तुम समझ नहीं रहे हो तुम्हारे पास है पैसे तुम बस दिखाने के लिए कि बजट में किया जा सकता है फ्री में एक दिन न्यूयॉर्क में कैसा बिताया जाए तुम करके दिखा रहे हो तुमने अच्छे कपड़े पहने मैं टक्सीडो पहना हुआ है वहाँ पर कैमरा है तुम दुकान में जाके कैमरा उसके मुंह पे मार के कह रहे हो कि फ्री सैंपल मिलेगा तो वो तुमको दे रही कि किसी बिकारी को नहीं देगी नहीं। कोई होमलेस बंदा वहाँ पे चला है खाने मांगने घंटा नहीं मिलेगा उसको नहीं। तो ये प्रिवलेज का फायदा उठा के ये दिखाते हुए कि भाई हो सकता है कि आ जा सकता है नहीं नहीं हो सकता थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो हाँ कर लो भाई तुम्हारा ये बजट ट्रिप के चक्कर में तुमने दो मिलियन लोगों को झूठी आज साल जो आज दे दी वो ठीक नहीं बहुत सारे बजट ट्रिप वाले इंडिया के भी ऐसे ही हैं यार दे आर जस्ट डाउन राइट कंजूज देट इज़ नॉट बजट ट्रिप वो ऐसी बातें कर रहा है बंदा मतलब घूम रहा है पूरे यूरोप hmm. रशिया में कहीं कहीं घूम hmm. रहा है पूरे यूरोप में स, वो hmm. दस दस महीने घूमता ही रहता है साल में ठीक है hmm. और बातें ऐसे ही करता है किसी टैक्सी वाले ने उसको बोल दिया कि इसके इतने रूबल लगेंगे उसने तुरंत कन्वर्ट किया ढाई सौ रुपए लूट लिया लूट लिया ढाई सौ रुपये लूट मचा रखी है अबे भाई वो भी तो कम आएगा तुम ढाई सौ रुपये mm. देने को तैयार नहीं हो तुम देश के बाहर आके यहाँ पे घूम रहे हो तुम्हें तब शर्म नहीं आ रही ये स्पेशली ऐसा कि अब मैंने इतना खर्चा कर दिया उसके ऊपर से अरे भाई वो तुम्हारी ट्रिप का थोड़ी हिस्सा है हाँ तुमसे एयरलाइन वालों से तो नहीं लड़ाई करी कि ढाई सौ रुपये एक्स्ट्रा लेने हाँ। तब कोई लड़ाई नहीं करता बट दैट्स ये इसलिए बजट ट्रिप वालों से मुझे बहुत गुस्सा आता है और एक दो हैं जो काफ़ी

की क्या है अगर तुम दिल्ली नहीं गए तो भाई पहले दिल्ली वो, वो उसका का, उसमें मतलब एक पॉइंट यही मुझे हमेशा लगता है कि ये लोग ना दुनिया के किसी भी कोने में जाके हिचहाइक करने लगते हैं कहीं भी एकदम गाँव में जहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा है जहाँ पे वो नहीं आ रहा फोन के सिग्नल नहीं आ रहे वहाँ पे हिचहाइक करके और कोई बंदा कह रहा है कि मेरे घर में रुक जाओ और वो रुक रहे जो चेप हो रहे हो भाई तुम अभी चेप भी हो रहे हो प्लस हाँ। तब तुमको रिस्क नहीं लग रहा की उस गाँव में जहाँ पे टेलीफोन हाँ। भी नहीं है वहां पे तुम किसी रैंडम बंदे के घर में घुस रहे हो बांध हाँ। के अगर रख लेगा कुछ नहीं उखाड़ सकते

हमारा दरवाज़ा ही खोला <laughs> कि जो करना है करो तो मैं वही मैं कुछ स्टोरी बनाई थी जिसमें वो बंदा जाता है इसके घर पे और वो कहता है कि अरे ये पिंजरे में औरत क्यों बंद है कहता है कि नहीं वो तो ऐसे ही ये हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं नहीं ये अंदर खंडर से आवाज क्यों आ रही है नहीं नहीं वो सब ठीक है सर ये गन वन क्यों रखी है आपके घर में आए मेरे पापा हंटर थे बट बेसिकली वही चल रहा है कि इसके घर पे वो सो जाता है आराम से लेकिन यहाँ दिल्ली में किसी को हिचाइक नहीं करने दे। मैं तो बोल रहा था, मैं कल वो देखा बोचर ऑफ डेली तो नेटफ्लिक्स अच्छा पे सीरीज आई है तो उसमें ऐसे दिखाते हैं तीन एपिसोड है उसमें से। पहले में जो बॉडीज बॉडी छोड़ के तिहार के बाहर बॉडी छोड़ जाता है और नोट लिख जाता है पुलिस वाले तुम्हारे भैंस बस की कुछ नहीं है अगली भी छोड़कर <laughs> मैं तभी छोड़ूंगा जब ये कोई बलबीर कोई नाम होता है उसका ये कॉन्स्टेबल की ड्यूटी होती है कि इसने एक बार मेरे को लॉकअप में मारा था उसके उसी के सामने तिहार के गेट नंबर थ्री के सामने बॉडीज छोड़ के जाता है वाट के टोकरी में बंद करके अच्छे से और सर काट जाता है ठीक है फिर उसके बाद जब दूसरी बॉडी के जाता है तो कहता है कि तुम बड़े हो पहली बॉडी नहीं कर पा, उसके हाथ पे लिखा हुआ था <laughs> 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 और भाई वो तो जो 500 मर्डर होते हैं दिल्ली में हर साल <laughs> तो चालीस पचास तो हमेशा ऐसी जब सेकेंड आई तो सीरियल किलर है <laughs> भाई उस उस शो में पूरे टाइम मेरे को पुलिस के लिए इतना खराब लगता है बेजती होती है वो पुलिस, पुलिस वाले <laughs> को उनके अथॉरिटीज बोलते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा क्या क्या चीज केस सॉल्व करने के लिए कहते हैं सर टास्क फोर्स और व्हीकल <laughs> 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 और सर जो आपने ये है ना ये जंग लगी चलती नहीं है कुछ <laughs> दिया नहीं है तुम किस मुंह से आ जाते हो मांगने की ठीक है तो, तो जो तू बोल रहा था ना तो फर्स्ट एपिसोड में उसको ट्रेस करते हैं पकड़ जाते हैं सेकंड एपिसोड में उसका इंटरोगेशन में वो बताता है और थर्ड एपिसोड में वो जो क्रू होता है वो उसके गाँव जाते हैं ठीक है तो गांव में जो लोग होते हैं वो सीरियल किलर के गांव सीरियल किलर के गांव तो अच्छा हाँ तो, तो, तो गांव में लोग बोल रहे हैं हाँ चंद्रकांत तो मर्डर करता था <laughs> <laughs> चंद्रकांत तो करता ही था उसने कसूरीदास को मार दिया था उसके बाद से हम थोड़ा दूर रहते थे उससे ये बहुत मर्डर करता है बहुत ही ज्यादा पानी है तो उसमें वो ऐसे बता रहे कि यहां पे भी वो करता था फिर दिल्ली जाके जाके तो हमने सुना ज्यादा करने लग गया थोड़ा शहर हाँ। आदतें खराब हो जाती फिर कोई बता रहा था कि दिल्ली में हमने सुना था उसके पेट में किसी ने चाकू मार दिया था चंद्रकांत के पर किसी तरह से हमने बचा दिया था उसको तो हमने गमछा वमछा बांध के हॉस्पिटल आए थे बट उसको एक बात चुप गई थी तो उसने कराटे कराटेखो भी चुप गया तो उसने कराटे सीखा था और उन तीनों को ढूंढ के जाके मार दिया था उन तीनों को तब से हम थोड़ा चंद्रकांत से दूर रहने लग गए <laughs> सातवा मर्डर था that was the तो उसमें क्या होता है एक गांव से एक, उसका एक बंदा होता है जिसको वो बोलता है चंद्रकांत कि शहर चलो मेरे को हाउस शिफ्ट करना है अपना ये वाले घर में सामान रखा है लैंड लॉर्ड निकालना है दूसरे में जाना है सामान शिफ्ट करवाने में हेल्प कर दो तो कहते हैं मैं गया तो मैंने देखा उसके कमरे में तीन लोग ऐसे बंधे हुए हैं तुम्हें कर, कह कहते चुप करो तुमको भी मार नहीं लाए हैं चुप करो oh हल्ला मत करना तुम्हें अभी मारूंगा पहले इनको मारना है मेरे को shit. तो वो उसको किसी दूसरे कमरे में बंद करता है तो वो वहाँ से किस तरह से भाग जाता है बट जब वो भाग रहा होता है एक कैमरा रखा होता है उसका वो उसका चोरी करके ले जाता है वो तो वो गाँव जाके फिर उसको डेवलप करवा के बढ़िया एल्बम बनवा देता है तो चंद्रकांत सबको मारने से पहले सबकी फोटोज लेता था ऐसे मुंह बंद करके पट्टी बंदी में सब ऐसे देख रहे हैं कभी तीन बैठे हैं एक साथ ही सब कुछ कुछ कर रहे हैं तो वो एल्बम सबको दिखाता है कि देखो इनको ही मारा हुआ इनको ही मारा हुआ सबको मारने से पहले फोटो लेता है <laughs> तो वो बंदा जब स्टोरी नरेट कर रहा होता है कहता है हमने सबको दिखा तो दिया बट फिर हमें लगा अगर चंद्रकांत छूट गया कभी जेल से तो हमको तो मार देगा फिर लग टेंशन में बेचारा <laughs> यार ये डॉक्यूमेंट्री <laughs> टाइप शूट डॉक्यूमेंट्री <laughs> है ये असली में गांव में शूट जाते हैं वो रोए जा रहा है बेचारा <laughs> और भाई वो चंद्रकांत इतना काम बंदा था <laughs> वो ही जाएगा भाई <laughs> <laughs> इतने मर्डर कर करके उसको लॉकअप में जब लेते हैं तो जैसी पुलिस वाला जाता है कहता है देखो अगर तुमने मारा तो कुछ नहीं बताऊंगा नहीं मारोगे तो सब बता दूंगा क्या क्या मर्डर करें कैसे करें वो बाहर जब कोर्ट के बाहर खड़ा होता है तो वहाँ पे रिपोर्टर आते हैं कहते हैं आपने ये चार मर्डर क्यों करे कहते आपको कैसे मालूम सिर्फ चार ही करें हो <laughs> <laughs> सकता है मैंने और करे हो पकड़े नहीं गए हो रिपोर्टर कहती है तो कितने करें कह रहे आपको बताऊँ जज को बताऊँगा मैं <laughs> भाई बहुत ही फनी शो है

ब्रेक कर दिया था वो अनिल की फैमिली ने बहुत खराब यार सीरियल किलर का सीन ये है कि तुम एक एक मर्डर अगर लगातार करते रहे कंपाउंडिंग टाइप का हो जाता है तब सीरियल किलर लेकिन एक साथ तुमने अस्सी मार दिया तो तुम टेररिस्ट हो <laughs> ये डेफिनेशन <laughs> का जो फर्क है ना <laughs> तुम सीरियल के लोगों कहते भाई मैं भी चाहता तो अलग अलग मार सकता था मेरा टाइम नहीं था मेरे पास एक्चुअली सीरियल किलर को

हाँ, तो मैं क्यों मैं बता रहे हो भाई अभी उड़ा हाँ, तो ठीक दिया। है मतलब उड़ा मत हाँ तो दिया ये क्या बात हो तुम पहले बताते कि परोल पे बाहर है हाँ, अब सुनो इसकी कहानी तो हाँ, हम थोड़ा हाँ, रिस्पेक्टफुली सुनते हमने भाई तो वो बीच में एक बॉडी बहुत टाइट बांध जाता है तो पुलिस वालों से नहीं रही होती है तो वो वहीं पे होता है भीड़ में वो चाकू से रुको मैं खोल देता हूँ चाकू से वो उसके जो रोप्स उसने बांध होते हैं वो काट के खोल के दे जाता है और वो कहता है मैं आप मेरी आवाज़ ही नहीं पहचाने मैं आपको फ़ोन करके बोला था मैं बॉडी छोड़ूंगा करूंगा मैं आपके सामने काल खोट मतलब ये काट के खोल के गया आप आवाज़ ही नहीं पहचान पाए पे, मेरी और दिखे मैं पहचान गया आपको सुरेंद्र साहब <laughs> 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 जब पकड़ा जाता है तब बताता है हाँ, हाँ हाँ और ये बंदा कैसा दिखता है नॉर्मल hmm. कोई भी अंकल टाइप वही यही तो प्रॉब्लम तभी नहीं पकड़े जाते साले कुछ होना चाहिए कुछ अलग दिखना चाहिए मतलब ऐसे जैसे अब वहां पे तुम अगर सीरियल किलर्स देखोगे एक्चुअली वहां के भी ये वैसे ही से यार यही है ये, ये, ये उसमें अगर थोड़ा थोड़ा में कोई से निकला लुकिंग हो जाए तो फिर पकड़ लिया जाएगा चामिंग 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 भाई, भाई लोगों को सीरियल किलर चामिंग लगते हैं टेररिस्ट नहीं लगते मैं वही कह रहा हूँ यही फर्क है टेररिज्म और सीरियल किलर का जो फर्क है वही उसको क्योंकि सीरियल किलर में थोड़ा क्राफ्ट का भी प्रदर्शन होता है कि ये अपनी सारी बॉडीज हेडलेस छोड़ता हाँ है और शोमैनशिप है वो हाँ। बार बार दिखा रहा है अपना ट्रेडमार्क हाँ। साइन बना रहा है, हाँ। है जो कार्ड छोड़ दिया नहीं तो ये बंदा हमेशा क्या करता है एक उंगली काट के चला जाता है तो वो उसका ट्रेडमार्क बन गया कि ये एक उंगली काटता है हमेशा लोग समझ नहीं पा रहे लोगों को लग रहा है कि जिनकी उंगली नहीं होती उनको मारता है <laughs> लोग कह रहे हैं दोस्तों सेफ नहीं है कम उंगली <laughs> और वो घर पे बैठ के फ्रस्टेट हो रहा है। अरे मैं ही काट रहा मूव सिग्नेचर मूव बना रखा है बताओ सीरियल किलर्स नहीं है तो गलत है, यार। भाई उसमें कहता है कि चंद्रकांत सिर्फ उनको मारता है जैसे कुछ कोई जो मॉरली कुछ गलत करते हो अच्छा जैसे चोर हो कोई वोमनाइजर हो किसी ने मीट खा के बर्तन ढंग से नहीं धोए हो <laughs> भाई ये इसका धोया ऑडियंस देख रही हाँ। तुरंत माजना कि भाई ये तो बहुत ही नीचे कर दिया <laughs> इसका थ्रेशोल्ड तो बहुत ही खतरनाक है भाई और वो आइदर को मार देता है खुद हाँ। सीरियल किलर है <laughs> कहता है कोई क्राइम मत करो वरना मैं आ जाऊंगा मारने <laughs> लट चिड़ता <चेटा> साले <laughs> <laughs> जैसे उसका था श्री संत वाला पता है ये स्टोरी जिसने उन लोगों ने वो गया था जेल में और उन लोगों ने उसको मुर्गा बना दिया <laughs> और उठक बैठक करवाई क्योंकि इसने चीटिंग करी थी गेम अच्छा वो मैच फिक्सिंग वाले <laughs> आ, उसमें <laughs> मैं भाई तूने रेप <laughs> किया तू क्या बोल रहा है <laughs> आपके पेरेंट्स ने सिखाया नहीं कि चीटिंग करना गलत बात है क्रिकेट खेलो जितना खेलना है क्रिकेट खेलो देश के खिलाफ नहीं और वो मुंबई इंडियंस या राजस्थान रॉयल था कोई देश नहीं मुझे वही बात थोड़ी अजीब लगती क्रिमिनल्स का जो मॉरल पुलिसिंग है और भाई इस देश में तो तुम पुलिस को मॉडल पुलिस कर देते हैं लोग कि ये इससे इस क्यों बोल रहे हो इसने क्या गलती गरीब को ही आप छेड़ते हो जब <laughs> <laughs> भाई क्रिमिनल है गरीब अमीर कहाँ देख रहे हैं मैं आप भाई लेकिन उनके पास बेचारों के पास कुछ इंट्यूशन के अलावा है ही नहीं वो कह रहे हैं कि वो एक इंटरोगेशन में एक डॉक्टर के पास जाते हैं कहते हैं हमें लगा ये कोई निहार पहलवान थे हमारे साथ उनको इंट्यूशन आया कि कि किलर का फोन ही आया डॉक्टर को

अरे कैसे यार दो हाँ, दिन का टाइम उनको भी पता है दैट्स ट्रू तो तो फिर तो फिर मैं वैसे हो जाऊँ कि सर डेथ क्या है <laughs> <laughs> शरीर ही तो चेंज हो रहा है हम <laughs> इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं बट लॉट ऑफ पीपल हैव मेड द पीस विद इट आल्सो क्योंकि जब मैं मेरा वॉलेट चोरी हुआ था वो ट्रेन में मैं गया था पुलिस वाले के पास और मैंने बताया कि इतने पैसे इतने पैसे क्यों रखे मतलब <laughs> <laughs> था क्या करें तो उसके बाद मैंने बोला मिल जाएगा तो बोला क्या लगता है <laughs> मैंने बोला सर ठीक है कहता आप क्या करते मैंने स्टैंड अप कहता आएंगे कभी आपके शो में <laughs> हम तो इस नोट पे गए थे कि अब देखो <laughs> यार हमने अपना काम कर दिया हमें पता है आप भी अपना काम करना चाहते हो नहीं हो सकता कहाँ से पकड़े वो कहता है कि वो भाग्य होगा बोला हाँ hmm. कहता है मैं बोला कि वो प्लेटफॉर्म की तरफ भागा और वहाँ से वो ऊपर भाग गया तो बाहर चला गया मेरे एक बार ही फ़ोन चोरी हुआ था तो मैं गया था तो मैं कहा सर एफ लिखना है क्या hmm. तो कहते हैं अपना मल बहलाने के लिए लिखना हाँ, चाहते हो तो exactly. लिख लो तुम हाँ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा हाँ उसने भी फॉर्म दिया था कहता है हाँ. आप लिख दो डिटेल्स बट एंड इट्स और यहाँ का तुमने कहाँ पे किया था बैंगलोर बैंगलोर वहाँ का अच्छा है पुलिस पोलाइट पुल, थे बस पोलाइट बस रियलिस्टिक थे कि फेयर हाँ वो गलत नहीं मतलब मुंबई का कह रहे थे कि अभी तो नोकिया के अच्छे अच्छे आ गए सस्ते

तो वही है और मुंबई पुलिस का मतलब मेरा जितना अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो बड़े पोलाइटली बात करते हैं विच आई एम नॉट यूज टू क्योंकि यूपी में तो नहीं करते यूपी में पुलिस वालों से कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो बिना बात के डांटते रहते हैं तो अनलेस और यूपी में वो भी बहुत चलता है कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो अगर तुम अ पहुँचे या तुम कोई बड़े आदमी हो तो वो सर सर करेंगे वरना तुमको डांट देंगे तो मैं हर वरना जब भी कुछ ऐसे पंगे में फंसने वाला होता हूँ या ऐसे लग रहा होता है कुछ पुलिस से कुछ इंट्रैक्शन होने वाला है तो मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ झूठ ही बोल देता हूँ कि तुम शायद समझ नहीं रहे हो मैं कौन हूँ यही तो ज्यादा जो के पुरा जानते जानता नहीं, है। नहीं कौन है लेकिन आ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ यहाँ का लोकल एम एल या कोई कौन क्या है हो सकता है फिर मैं कम से बोल सकता हूँ कि कमल के भांजे से पंगे ले रहे हो आप <laughs> <laughs> तो उसको पहले उसको भी ना पता हो लेकिन वो नाम सुन के उसको लगेगा कि कोई है क्या, क्या किसी से पूछे कहेगा एम ओ ये सब कुछ है लेकिन फिर मैं कभी करता नहीं हूँ फिर मैं सॉरी बोल देता हूँ ये, ये ये खाली हमारे दिमाग में हाँ, ये कि ऐसे मैं ब्लफ करके निकल जाऊंगा ये कुछ कर कुछ नहीं चलता क्योंकि मैं कहता हूँ सर पाँच सौ लो दो ले लो <laughs> लेकिन कई बार गलत भी होते हैं इन लोगों के ऐसा नहीं है कि ये कोई मेंटलिस्ट इनका हमेशा इंट्यूशन चलता है क्योंकि मेरे मामा अभी पुलिस में है और डी थे अभी तो रिटायर हो गए तो एक बार कुछ तो वीडियो चैट में बात चल रही थी और मैंने बोला मैंने पिज्जा बनाया तो कह रहे हैं कि मंगाया होगा बनाया नहीं है मैंने कहा मैंने खुद बनाया तो कह रहे हैं अच्छा बताओ कितने टेम्परेचर पे वो चलता है मैं यहाँ दो से ढाई सौ के बीच में चलता है और इतने मिनट करते हैं तो सब हंसने लगे कि हैं देखा मुझे पता है कहते हैं कि ब्लफ मत करो मेरे से और मैं सच में बनाया था और मैंने ला के दिखा दिया मैंने कहा कि इस भरोसे चल रहा है ये देश नहीं और प्लस ऐसा लगता है कि मैंने पिज्जा बनाया था बट मैंने पिज्जा का वाइवा नहीं प्रिपेयर करा <laughs> नहीं बट जैसे तुम प्रिपेयर भी अग, मैंने अंदाज से ही गरम किया और हाँ। मतलब उस टाइम हम काफी कर रहे थे हाँ। लॉकडाउन के टाइम पे तो आदत हो गई थी तो हमें पता है कि कन्वेंशनल हमारा जो भी है उसमें यहाँ पे लगाना होता है टाइमर इतना लगाना होता है और मुझे पता है कि यहाँ तक घुमाना होता है इसको यहाँ तक घुमाना होता है कुछ बिना नोट किए तो आदत पड़ गई थी बट वही है कि कॉन्फिडेंटली अगर कोई बंदा बोले दिया तो सब हंसने लगे कि यहाँ देखो फंस गया बताओ तुम्हें भी नहीं पता है और एक और चीज पे भी हाँ उनको किसी को नहीं <laughs> क्या पता है तुमने नए खरीदे और मानने को कोई तैयार नहीं और सब इंटरोगेट करते हैं तो मैंने कहा यार <laughs> ये जो आप लोगों को लग रहा है इंटरोगेशन से सब सच निकल रहा है वो हो नहीं रहा है आई थिंक इसलिए पुलिस गलत लोगों को पकड़ रही है क्योंकि इंट्यूशन के भरोसे ही चल रहे हैं सब बट नहीं है यार कैसे पता करोगे मैं बता रहा था ना बॉडी लैंग्वेज वाला सीन वगैरह में जो था 50% ऑफ़ द टाइम सो इट्स एब्सोल्युटली यूज़लेस कुछ भी नहीं चलता ना तुम्हारा ऐसे करोगे तो मतलब तुमको छुपा रहे हो भाई ठंड लग रही है उसको जरूरी नहीं है कोई भी चीज इसमें <laughs> उसका राइट हैंड ऑब्जर्व करो हाँ. अगर वो ऐसे पास में है हाँ. दिल के पास है तो मतलब वो सच बोल रहे हैं हाँ. पर नहीं उसका राइट right हैंड नहीं है अगर वो <laughs> एक हाथ <आथ> वाला बनता <laughs> अगर वो तुम्हें बोल रहा है आई लव यू और साइड में एक लड़की को देख के कर रहा है <laughs> <laughs> तो हो सकता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ये सिग्निफाई कर रही है कि तुम्हें एक्चुअली में प्यार नहीं करता है <laughs> हाँ अगर फोन पे कोई बात कर रहा है तुमसे और किसिंग की आवाज आ रही है तो शायद झूठ बोलता है ये बंदा तुमसे <laughs> <laughs> एक और जोक है ये सारे जोक बुक के जोक कि ये जो मैंने तुझे सुनाया भी था कि एक बार एक पागल खाना होता है उसमें दो तोते होते हैं एक लाल एक हरा ठीक है और वो पागल खाने में रहते हैं हर दिन परेशान होते रहते हैं कि यार ये कहाँ पागलों के बीच में रह रहे हैं पागलों की बातें सुननी पड़ती हर दिन निकलना है यहाँ से तो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं एक दिन कोई पागल खिड़की खुली छोड़ देता है तो ये उड़ जाते हैं उड़ के बहुत बड़े पेड़ में ऊपर जाके बैठ जाते हैं डॉक्टर आता है और कहता है कि तोते तोड़ के कौन लेके आएगा वापस तो एक पागल मैं ले का <laughs> तो कहते हैं बड़ा तो है जो एथलीट बना कहाँ से ले आएगा कह रहा मैं कर दूँगा तो भाग के जाता है चार पाँच पेसेज लेता है फट 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 ऊपर चढ़ता है चार पाँच स्टेप्स में और लाल वाला उठा के भाग के लेके आता दे देता है तो कहता है यार बड़े तुम इतने एथलेटिक तुम कब वर्कआउट करते हो कभी समझ में नहीं आया तो कहते हैं हाँ तो कहता है बट लेकिन वो दूसरा क्यों नहीं लाया कहते वो भी कच्चा है तो

और जब तुम हिंदी में उसको डिस्क्राइब करोगे तो थो थोड़ा और 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 फनी फनी है 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 जैसे तू बोल रहा है, अगर मैं इसको वाला वो वो स्टोरी बना दूंगा, वो और फनी हो जाएगा। जो काफी अच्छा करता है. मौत वाले का उसको क्रेडिट मिलता है जबकि जोक उसका नहीं है mm. मौत जोक या फिर क्योंकि अगर तुम ड्यूरेशन वाइज देखो हाँ कि तो उसने <laughs> भाई टोटल बीस सेकंड लिया हो हाँ से हाँ बाकी हाँ सेटअप में तो अपनी खुद की मस्ती करी है ऑलरेडी रिटेन हाँ हाँ और वो खुद बोलता ही है कि उसका गेम ये था कि ये लोग आते थे कोनन वगैरह कहते थे कि तुमको सात मिनट का करना है।

तो फिर वो कहता है चलो मैं थर्ड पे जाता हूँ थर्ड टॉप फ्लोर है तो पे आप कितना चार्ज करते हो है बीस हजार हजार दूंगा बट सिंगल स्टाइल करूंगा अब चालीस हजार बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है उसको लगता है कि पता नहीं जो मेरे को महीने में एक क्लाइंट होता है मेरे को एक क्लाइंट कम करना पड़ेगा डबल ही पैसे आते ठीक है तो पूरे टाइम टेंशन में रहती है सेक्स करते टाइम की कुछ अभी मारेगा कुछ सुसु कर देगा कुछ तो करेगा बट वो एकदम बहुत ही प्यार से सेक्स करता है और इतना पैशनेटली कभी उसके साथ किसी ने सेक्स करा नहीं होता है तो वो सेक्स खत्म हो जाता है उठ के कपड़े पहन रहा होता है और hmm. जान लग जाता है वो कहती पैसे कहते यही तो है सिंगलर स्टाइल नाम उसमें गया किसी अवार्ड फंक्शन में जाता है hmm. और कहता है कि ये आईव हर्ड अवार्ड फंक्शंस यू नो दे

हाँ, एक एक बंदा होता है तो ये अफ्रीकन बंदा है और वो रशिया आया हुआ है डेलीगेट है ना तो वो रशिया में अपना जैसे एम्बेसडर होते हैं वैसे ही इज अ डेलीगेट फ्रॉम अफ्रीका एंड ही इज कम टू रशिया एंड ही अटेंड्स ऑल दीज मीटिंग्स को करता है मीटिंग वगैरह करता है जब जाने लगता है तो रशिया वाला बोलता है कि एक मिनट रुको वी हैव दिस रिचुअल दैट वी डू इट्स कॉल्ड द रशियन रूलेट रूलेट मैंने अभी बोलना सीखा मैं रूले बोलता था रेश इन रोलेट तो वो कहता है कि बॉर्डर्ज दिस रेश इन रोलेट ज्यादा मैं दिखाता हूँ तो लेके आता है गन और पूरा एम कर देता है फिर एक चैम्बर के अंदर एक बुलेट डालता है उसके सामने और रिवॉल्व करता है और मुँह में अपने डाल के गन चला देता है hmm. तो अब अफ्रीकन की फट जाती है वो कहता है कि नाउ योर टर्न तो अब फटी है लेकिन प्राइड में भाई अफ्रीकन बंदा लायन हार्ट तो कहता है तो कुछ दिखाता नहीं है एक्सप्रेशन लेता है गोली मार देता है मुंह में बच जाता है और फिर एकदम कॉन्फिडेंटली चलता है लेकिन फटी हुई हो होती है। फिर दो साल बाद ये जो रशियन बनता है ये अफ्रीका जाता है डेलीगेशन पे तो अपना करता है सारी मीटिंग्स वगैरह ख़त्म करता है इससे मिलता है जब जा रहा होता तो कहते है तो कहता है वेट आई एम वज वेरी इम्प्रेस बाय द रशियन रूलेट सो नाव वी हैव अ रिचुअल इज रिचअलकन रुलेट कहता है अच्छा कहता है कि वेट फॉर मिनट जाता है एक कमरे में पाँच मिनट बाद वापस आता है और कहता है नाव योर टर्न तो कहता है कि Uh, क्या करना है कहते हैं कि आई एल एस काट्यू वो लेके जाता है कमरे में कमरे के अंदर देखता है ले जाके तो वहाँ पे uh, छह बहुत ही हॉट अफ्रीकन मोस्ट गॉर्जियस अफ्रीकन वेमेन दे ऑल नेकेड और वो कहता है कि हाँ तो वो कहता है कि दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ़ ब्रेवरी दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ़ करेज जैसे रशियन रूले था सेम हमने बनाया बट दिस इज़ अफ्रीकन रूले तो कहता है कि आपको क्या करना है इनमें से एक को आपको चूज़ करना है hmm. और वो आपको ब्लो जॉब देगी तो कहता है इसमें टेस्ट ऑफ करेज कहाँ है तो कहता है इनमें से एक लड़की कैनिबल है <laughs> मैं पहले सुना था आज तूने सुन रखा है हाँ। पर इसमें तो इजी है ना उसको बस देखना है किसके दांत पहने पहने <laughs> अबे ऐसा नहीं होता <laughs> भाई कैनिबल के दांत <laughs> पिराना पिराना जैसे दांत जिसके उसको मना कर दे सेम हॉट लगती हैं सारी भाई और वो वो अपना थोड़ा सा खून लेके ऐसे से कर सकता है और फिर जिसमें जो भी आई थिंक पांच मिनट में ये सारे ऑप्शन उसको मिले नहीं है उसको सीधे ब्लो जॉब दिलवाना बट जोक बुक के जोक्स यार इतने ज्यादा इम्प्रेसिव है कुछ कुछ जोक्स तो इतने अच्छे हैं कि भाई समझ में आता बिन, बिना पर्सनालिटी के जोक लिखना बहुत टफ है मतलब बहुत सारे ऐसे लोग इसको बहुत आ, प्राइड से बोलते हैं कि ये जोक सिर्फ मेरे से ही चलेगा अरे लेकिन दूसरा वाला भी क्राफ्ट ही है कि कोई भी लिखा हुआ जोक उठा के right. पढ़ दे और वो फनी हो जाए पर्सनैलिटी right. में जोक चलाना तो तब भी थोड़ा एक बार लोग तुम्हारी पर्सनैलिटी से फेमिलियर हो जाए तो इट इज फेयरली इजी एज अपोज टू एक बिना किसी पर्सनैलिटी कॉन्टेक्ट के सेटअप भी हो रहा है छोटे उसमें और फिर वो भी आ रहा है और फिर वो न्यूज पेपर के इतने से कॉलम में भी फिट हो जा रहा है बहुत बड़ी बात है भाई जोक लिख यार मतलब वो स्ट्रक्चर वाला जोक लिखना जोक बुक वाला बड़ा मुश्किल है तो वो करना तब मुझे वही लगता है कि व्हाट्सएप वाले जो जोक्स हम देखते हैं यार वो फनी तो बहुत होते हैं मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कौन बैठ के लिख रहा है कौन राइटर्स है क्योंकि ये आराम से कर सकते हैं बहुत ही अच्छे अगर हाँ, सोचो वो भी लिखे कभी क्रेडिट नहीं मांगते लिख कुछ नहीं लिखा होता क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो पुरानी जोक बुक्स है ना हाँ। उनके ही जोक को हिंदी में कर, जैसे मैंने हिंदी में करके सुनाया वैसे वो लोग हिंदी में करके लिख देते हैं तो जब उनका जोक ही नहीं है तो वो क्रेडिट क्या मांगे वो बस पैसे ले लेंगे पांच सौ रुपए पर जोक ऐसा जोक कहाँ का है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी <laughs> तो ऐसे ही घुमाते <laughs> रहते हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे तो आते रहते हैं और मैंने जब जोक बुक्स पढ़ी ना यूएस की यूके की तो सेम जोक्स जो हमने सुन रखे हैं वो एक्चुअली उनका इंग्लिश वर्जन वहां पे है तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे लिखे गए हैं कि वहाँ पे बट इफ आई हैड टू गेस साइड से ब्रिटेन में ही लिखे थे <laughs> <laughs> क्योंकि वो ओरिजिनल लग रहे हैं यू में कॉन्फ्रेंस में सब डिस्कस करते हैं और फिर <laughs> वो ले आते हैं यहाँ पे अरे वो बहुत कॉपी करता था रॉनल्ड रीगन काफ़ी जोक कॉपी करता और सुनाता था तो बेसिकली जोक बुक के जोक सुनाता रहता था तो ऐसे कई लोग कई सारे जोक्स हैं दैट हैव बीन एट्रिब्यूटेड टू हिम बट उसने नहीं लिखे तो तो भाई वो तो यार लिखा जो तू तो सोच उसके पास टाइम बैठ कर रहा है। यार जो एंड नहीं मिल रहा है यार इसका लेकिन मोदी भी जैसे जोक जोक करता है हां वो उसने कहीं से उठाए या किसी जोक तो राइटर तो ने लिखे में लिखते होंगे लेकिन अब तो लोग यही बोलेंगे ना आने वाली पीढ़ियां यही बोलेंगी कि मोदी बड़े बढ़िया जोक लिखता था भाई तो तू चाहता है कि ये बैठ कैसे माइक ओपन माइक करें

तो मैं उसमें जोक्स लिखता था बट वो बहुत होता था फ्रिक्शन बहुत होता था कि आ, वो लोग कहते थे कि इसमें तीन यहाँ से हमने उठाए हैं वो डाल दो मैंने कहा फिर पूरा खराब हो जाएगा मैंने ये सारे सत्रह जोक मैंने खुद लिखे उसमें तीन तुम कॉपी डाल दोगे तो मेरी इमेज मेरी प्री, प्रीतम का वो हो जाएगा कि हाँ एक कि... पिक्चर तो कॉपी कॉपी हमें मिल नहीं पा रहा है बस से कॉपी मैं कह रहा था कि मेरा फिर वो इमेज खराब हो जाएगा और बोलेंगे तुम्हारा कोई इमेज खूब फूब का है तो उन लोगों ने कई बार ऐसा किया था कि मेरे आर्टिकल में दो तीन कहीं से जोक चेप दिए तो मुझे बहुत बुरा लगता था hmm. एक दो बार हुआ था ये अपने के काम में नहीं करना तुमको पैसे मिल रहे हैं तो जैसा हाँ उनको चाहिए तुम्हारे को इतनी प्रॉब्लम है तो तुम अपनी शुरू करके फिर उनको हरा दो उनको हरा दो आजकल तो आर्टिकल्स वगैरह चलते भी नहीं तो खाली वीडियोस चलते कि इंडियंस को हमारे पॉप कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अचानक से नया प्लेटफॉर्म मिल गया था hmm. कि आ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बॉलीवुड बफ हो फिर तुम देख रहे हो भाई फुल जनता ही भरी हुई है ऐसी चूतिया या जिस, सिर्फ पिक्चर ही देखिए वो इसी सब रेफरेंस में बात करती है तो वो अचानक से वो एनवायरनमेंट मिल जाना लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग था I think इसी वजह से वो सब भी चलते जैसे वो quizzes होते थे जिसमें तुम और सारे लोगों के साथ लाइव बैठ के खेल सकते हो एक आया मिली है मुझे में में so like <laughs> लड़की <laughs> हाँ। <laughs> हाँ, <मैंने> <laughs> हाँ, बहुत तो उसमें ये होता था कि तुम अब सपोज हैरी पॉटर फैन तो ऐसे तो ढाई लाख बहुत लोग है तो साथ में बैठ के सत्तर लोग खेल रहे हैं और उसमें तुम देखोगी फिर तु... तुम उसमें से डीपी शॉर्टलिस्ट दिमाग खराब हो रहा है इसमें अलग से जो बैंक करने भी नहीं आ रहा है डेट उसको तुम पकड़ पकड़ के ढूंढ के किसी को निकाल के लेकिन उनका लॉजिक भी ठीक था उनका लॉजिक भी ठीक था यहाँ पे इनके गार्ड नीचे

<laughs> और जो भी आंसर गलत पार्ट की बात हाँ, कर रहा हाँ। था पे तो बदल गया एक में तो डंबल डोरी बीच में बदल गए थे हमें बहुत हाँ। बाद में बताया सेम ही लगता था हमें हाँ, तो अंतर भी नहीं पड़ा था कोई बात सारे बुड्ढे सेम लगते <laughs> सेम दिखने वाले बुड्ढे और तुमने चूज किया एक बंदे को चूज की तरह दिखता है तो घंटा हाँ। दो बुड्ढों में फर्क बता पाए बट लोग कह रहे कि सिक्स पार्ट में जब मरा था मैं बहुत करा रहा मैं मैं पहले पार्ट में कहा था तुम <laughs> 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 अभी तो बहुत बोल रहे हो उस समय क्यों शांत थे दिस इज ऑलवेज द ट्रिक ना है तब क्यों नहीं बताया वही बॉलीवुड वगैरह मुझे दूल्हे राजा का पूरा आता है अगर कोई मुझे दूल्हे राजा का कोई करा दे तो वो मैं कर लूंगा <laughs> भाई मेरे को ये वाले इंटरव्यूज देखने में इतना मजा आता है ना कि गोविंदा का डाउनफॉल क्यों आया या रीजन बताते हैं लोग क्यों आए कि टाइम पे नहीं आते थे तमीज़ से बात करते थे थप्पड़ मार देते थे अपने डायरेक्टर्स को <laughs> ये सब बहुत मज़ा आता है ये सब कुछ और खासकर फिर उनके इंटरव्यूज जाके वो ट्रेट उनमें ढूंढने की कोशिश करो ये जो हाइंड साइड वाला बायस है ना हाँ। इसकी वजह से लुईस सीके का पुराना कोई भी तुम जोक देखो जैसे हम लोग ने उस दिन भी बात करी तो वही होता है तो तुम अगर गोविंदा का देखोगे

यार गोविंदा का मैंने एक बहुत पुराना इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बता रहा था कि कैसे वो विरार से आता था यहाँ पे और उसके मामा का घर था देखा था वो, वो नहीं नहीं लेकिन एक वो वो उसका बस यही फेमस वो है कि विरार का लड़का फेमस हो गया हुँ. तो फिर उसके किसी किसी ने बोला बट आपका तो कहीं बैंड्रा वगैरह में घर था ना कह रहे वो पहले था फिर हाँ. मेरे पापा को बहुत लॉस हो गया फिर वो विरार शिफ्ट होना पड़ा फिर मैं आता था से तो उसने वो ये वाली स्टोरी बताई थी एक इंटरव्यू में और साथ में वो कहता था कि मेरे मामा यहाँ पे रहते थे मामा उसके अमीर थे या कुछ तो उन्होंने hmm. काम दिलवाने के लिए बोला था hmm. और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसके मामा ने बोला ठीक है मैं तुम्हें लॉन्च करूँगा तो उन्होंने लॉन्च किया था वैसा hmm. था पर उस समय वो कहता था कि मुझे मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक है मुझे एक्शन हीरो बनने का बहुत शौक है लेकिन देखो जो डांस तो मैं यूं ही कर लेता हूं मेन तो मेरा एक्शन है ऐसे बता रहा था और जिस तरह से वो बोल रहा था वो और सलमान खान उन दोनों की बोल बोलने की जो स्टाइल थी वो काफ़ी सिमिलर थी उस टाइम बट वेन द बिकेम स्टार्स काफ़ी दूर काफ़ी डाइवर्जेंट हो गया उसके बाद गोविंदा स्टाइल बिकेम डांसिंग मोस्टली एंड कॉमेडी जो वो कहता है कि वो कॉमेडी स्टार बनने ही नहीं आया था वो एक्शन स्टार बनने आया आना hmm. ये सचिन स्पिनर ये, बनने ये वो बहुत बढ़िया होता है जिसमें मल्टीपल जॉनर्स उसी आर्ट hmm. फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कोई स्टैंड अप में एक्शन कॉमेडी कॉमेडी करने आया था लेकिन फिर अब मैं समर सॉल्ट मारता हूँ स्टेज पे वो पॉसिबल ही नहीं है साला ये लेकिन से <laughs> के, 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 दूसरी <laughs> लाइन नहीं लिखी हाँ, लाइन सुना चुपचाप चले जाओ वन लाइनर हूँ मैं कहता हूँ प्लीज वेलकम योर होस्ट ऑन स्टेज <laughs> <laughs> और लोग बहुत ताली बजाते हैं हमेशा तू अहमदाबाद रहे ना का दो साल बट मैं मैं कॉलेज में में तो वो, oh, अच्छा, तो वो, तो वो का का क्या है ये सब कुछ है, है। कल्चर नहीं बोल रहा, मैं पतंग उड़ानी आती मैंने बचपन सीखने की कोशिश करी थी तो फिर ये पॉइंट पे आया था कि जो हमारे घर में कोई काम करते थे वो पतंग ऊपर करके दे देते थे और फिर देता था लेकिन वही नहीं आई और प्लस फिर मैंने कभी वो कॉम्पिटिशन नहीं करा कि काटेंगे काटेंगे ये कुछ करेंगे बट जब अहमदाबाद में तू काफी बिगिनर है न, आ, बिगनर, नूब है <laughs> तो तेरे से इस बारे में क्या आई वैसा है कि वैसा अगर जैसे प्लेन में ऑटो पायलट होता है ना तो अगर तू पतंग उड़ा रहा है और तेरे को बीच में कुछ अर्जेंट कॉल आ जाए तो मैं तुझे पतंग पकड़ लूंगा और फिर हाँ। उसको वो कर दूंगा लेकिन तो उसमें भी हायरार्की होती है कि जब तुम सीख रहे होते हो ना पतंग उड़ाना तो एक भैया उड़ाएंगे और तुम उनकी लटाई पकड़ोगे <laughs> तो चरखी पकड़ के खड़े हो तो भैया कभी कभी दे देते दे हैं एक मिनट रुको तो उन्होंने छोड़ दिया तुम चरखी से ही ऐसे ऐसे कर रहे हो तो वो वाले पॉइंट पे मैं था उसके बाद देना है ग्रेजुएटेड टू एक्चुअल फिर मैं भैया बना फिर चढ़की पकड़ने वाला कोई और आया और पहले मैं छुड़ैया छुड़ैया कहते हैं मतलब बेसिकली तुमने किसी को दे दी तुम वो पतंग लेके ऐसे उछाल रहा है दे रहा है फिर तुमने उड़ाना शुरू किया एंड देन यू कम टू अ लेवल जहाँ पे उसकी भी जरूरत नहीं है तुम जमीन से उठा के और सीधे ही कर ले तो ये सारा जो जर्नी थी मेरी पतंग <laughs> मैंने कवर करके अभी हम लोग अहमदाबाद में अपने भाई के घर गया था तो फिर उड़ाई थी तो उसी ने उड़ाई थी मोस्टली वो क्योंकि उस टाइम पे बहुत वो होता है क्योंकि मांझे में वो लगा होता है ना जिससे कट सकता है आपका मतलब दो अलग अलग तरह के होते हैं एक में तो कांच बाहर बाहर बार बार का जो कॉम्पिटेटिव वाला होता तो कट जाता है तो जब है। सीजन आता है मकर संक्रांति के टाइम पे छात्र हाँ, उड़ाते हाँ, हैं उतरण होता है मकर संक्रांति में हाँ, हाँ तो हर अलग अलग जगह मकर संक्रांति हाँ, का भी होता है तो उस टाइम पे बाइक वाले अपने उसके अराउंड इतना एक बड़ा सा एक वो लगा देते हैं ताकि कोई उड़ती हुई अगर मान जाके उनको कट ना जाए भाई लोग मर चुके हैं हाँ, मतलब कहते तो हैं कि उसका सर कट गया ही नहीं है कि लोग अपना सड़क के पास से उड़ा रहे हैं और जो तार जो इनका मांझा है वो अक्रॉस द रोड ऐसे जा रहा है और वो दिखता भी नहीं है तुम तेज गाड़ी चला रहे हो तो कटवट जाता है कई एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे दिवाली के टाइम पे होते थे एक्सीडेंट क्योंकि बच्चे क्या करते थे दशहरा दशहरा जब एंड होता था तो कानपुर में बहुत सारी जगह एम श्योर हर सिटी में होता था कि बहुत जगह बड़े बड़े रावण लगाए तो उस रावण का जो स्ट्रक्चर है उसमें तो बहुत बारूद भरनी होती है खूब सारी बारूद भर दी तो कोई गलती से आदमी गिर गया नहीं नहीं आदमी नहीं गिर गया तो बारूद भर दी उसके अंदर और बहुत सारे पटाखे भरे उसके अंदर गनपाउडर बहुत सारे ठीक है अब जल गया फट गया और कई सारे पार्ट ऐसा होता है जो जला ही नहीं तो जैसे रावण का एक हाथ ऐसे ही पड़ा हुआ था और जो बच्चे होते हैं ना बटोरते हैं कि हम ये उठा लेंगे, फिर हम इसको तो क्योंकि मैं सोचता था कि उसके अंदर बहुत सारे बम भरते होंगे वो भी करते हैं वो भी करते हैं लेकिन मतलब डिपेंडिंग जैसे मोहल्ले में तुम कर रहे हो तब तुम बारूद नहीं भरोगे लेकिन जैसे रामलीला मैदान में या कहीं पे हो रहा है तो वहाँ पे पूरा भर देते हैं तो जब वो जलता है तो

आई थिंक देयर इज सम पोएटिक जी ऑफ कोर्स कि तुम रावण ने मार दिया ना <laughs> जो खुद मर रहा था वह दो रात बार का दशहरा कैसा था रावण तो मरा ही अभी क्या बोले <laughs> होली अच्छा लगता है हमको <laughs> <laughs> हमारे मोहल्ले के पीछे एक लड़का रहता था वो ये काम करता था तो बेसिकली लूटता था बारूद बारूद उठा के ले आता था और हाथ गोले बनाता था तो उसका काम था वो बिजनेस करता था हाथ गोले बना के बेचता था और दस रुपए में काफी बढ़िया हाथ गोला मिलता भाई मेरे को बचपन से ये चीज से तो बहुत डर लगता था हाथ से बम जला के जो फेंक देता तो दूर से वो टाइम से खा देता था ना, कि उसका बाहर का कागज फाड़ दो और क्या जला दो तो, तो फिर बहुत दूर तक भाग सकते कुछ नहीं होगा हाँ तो ये वो पहला बिगनिंग जब ये वाला सीन है कि तुम आगे से थोड़ा सा उसको छील दो तो धीरे चलेगा और फिर जैसे ही पेपर आएगा तो तेज जलने लगेगा उसका नेक्स्ट स्टेप इज इसकी भी टाइमिंग रहती है क्योंकि वो है ही इतनी तो तुम जलाओगे और तुमको दो सेकंड मिल जाएंगे तो तुम जलाओ बिना कुछ फाड़े वाड़े और उसमें, उसमें बारूदी लगी रहती है हल्की सी पर वो अनिवन होती है बीच बीच तो में नहीं होती है जल्दी जल जाएगा तो हम लोग छत पे जला रहे थे और ऐसे जला के बस फेंक रहे थे उसमें कुछ छीलने की जरूरत नहीं जलाओ और ऐसे फेंको जला ऐसे फेंको नीचे जा रहे थे हाँ, वो तो एक अंकल जा रहे थे और उनके सर पे यहाँ पे जाके फट गया ठीक है और वो ऊपर देख रहे हैं चिल्ला रहे हैं और फिर मैंने ऐसे छुप के देखा मेरे पापा थे <laughs> अपने पापा के सर पे फेंक दिया उनका यहाँ पे पूरा जला <laughs> भाल वाल जल गए तो ये भी पोइटिक है <laughs> सारी चीजें पोइटिक होती है अगर आपको पोइट्री नहीं आती कि उन्होंने पैसे दिए थे और किसी और के छत पर हम लोग कर रहे थे और पापा बस निकल रहे थे गली में घुस रहे थे बट mm -hmm. uh, <laughs> मैं ये पूछने वाला था कि uh, नहीं पूछेगा लेकिन अब पूछूंगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज मनी फॉर यू इज इट इज इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इट इज फेयरली इम्पॉर्टेंट आई थिंक इट इज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टें मैं जब आ, भी ऐसे देखता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सोल्यूशन होता है मनी हाँ भाई जो जो लोग कहते हैं ना कि जो चीज़ें Uh, पैसे से रिलेटेड नहीं होती है एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए बट वहाँ तक करने में भी तुम्हें मिल जाता है पैसे से ही जाना पड़ेगा <laughs> मैं कि वही नोटिस पहाड़ों पे जीना है बट पहाड़ों तक भी तो जाने के लिए पैसे लगेंगे ना और पहाड़ अगर तुमको पहाड़ में जीना तो घर खरीद लो वहाँ पे ऐसे पैसे फेंकने हाँ। तो एक गड्डी मोटी से फेंको तो घर मिल जाता है हेल्थ यू कैन नॉट बट यू कैन बाय तुम भाई कोविड वोविड के टाइम पे सब वो हो गया कि योलो नहीं योलो नहीं छोटे थोड़ छोटे कम चुमर मर के जिंदगी जिएंगे थोड़ी थोड़ी हाँ बट पैसे पैसे, पैसे यार हर चीज के लिए चाहिए तुम्हारा हेल्थ बचाने के लिए भी चाहिए तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव करनी हो उसके लिए भी चाहिए ऐसे ठीक है तुम्हारी अगर तुमको आपका सेंस ऑफ फैशन बहुत अच्छा है हाँ एक्चुअली क्योंकि मैं <laughs> बहुत महंगे कपड़े खरीदता हूँ और मैंने ग्रूमिंग करा रखी हाँ। है इमेज <laughs> कंसल्टेंट ये वाली चीज तो तुम्हें वैसे भी अगर पैसे आएंगे तो सारी चीजें कर ही सकते हो तुम की या या आप कलर जैसे कैसे चूज करते हो मैं बेटर शॉप पे चला जाता हूँ मैंने एक बंदे को पैसे फेंक के मारे थे और वो चूज करके देता है A designer, तो भाई मैं तो ऐसे लोगों को देखा जो पहले बहुत बदसूरत थे और पैसे आते ही सुंदर लगने लगे नहीं। नहीं पूरे शेप ही चेंज कर दिया अपने चेहरे के चेहरे का चेहरे चेहरे कर दिया। जो भी चीजें उनकी नई थी आ रही थी उसका ट्रीटमेंट uh, करा दिया एंड आई फील लाइक करेंसी बट अगर पैसा हो तो सोशल करेंसी भी मिल social जाती तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है का ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई तू तो पावर और पैसे के बीच में क्या चूज करेगा मैं तू तो क्या ऑफर कर रहा है <laughs> कुछ नहीं ना <laughs> कुछ नहीं, नहीं। बस टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा आई <laughs> गेस जैसे तुम्हारे पास इतनी तुम्हारी शॉर्टेड लाइफ आने वाली है कि तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कि क्या मैं एक टॉप नॉच पॉलिटिशियन बन जाऊं या एक बिजनेस टाइकून बन जाऊं या <laughs> 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 तो तुम कुछ नहीं चूज कर सकते तुम बस ट्राई कर सकते हो थोड़ा थोड़ा सब कुछ आ जाएगा अपने आप और मतलब ऐसा बहुत ही कम ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे बंदा कहता है कि यार पैसे के बाद भी कुछ नहीं हो पाया बहुत कम आते हैं जैसे एक उसका आया था चाइनीज़ जो वो कौन अली बाबा वाला फाउंडर उसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कर लिया था क्योंकि उसने चाइना की कुछ बोल लिया। पर उसमें भी उसी गलती है ने ने जा जा के था। क्या फायदा इतने पैसे का भाई है फायदा बहुत फायदा भाई वो दो मिनट में निकल जाएगा उसको बस फोन करना है कि सुनो मेरा लॉकर खोलो अश्रफिया निकाल दो बट वही चाइना में रहना उसकी गलती है ना तो इसलिए आई थिंक ही टुक दैट डिसीजन बिकॉज जो भी होगा रिलेशनशिप बट वो आराम से उसको इवेट कर सकता था बहुत कम ऐसे आते हैं कभी ऐसा होता है कि ये बंदा देखो मर गया इतना पैसा था तब भी मर गया तो वो तुम नहीं कंट्रोल कर मरेगा तो है ही कभी ना कभी बंदा मलेरिया वो थोड़े बेट, से कोई बेटर ऑक्सीजन मास्क लगा के <laughs> मर आता। आ, बेटर मॉर्फिन कंज्यूम करके <laughs> सब मरने के बाद तो क्या है मैं तो फिर भाई अपने पैसे अभी सब मर हाँ, हाँ। हाँ। पूल कर तो मैं सकता हूं। इसी समय। <laughs> क्योंकि तुम लोगों तो को तो कोई नहीं <laughs> पैसा क्या है हाथ का मैल है कभी जाइ एयर इंडिया काउंटर पैसे करियो <laughs> <laughs> बिजनेस का अपग्रेड मिलेगा <laughs> ये लीजिए बड़ा गंदे हाथ है यार ये भी मुझे लगता है ये भी एक चीज क्योंकि

Uh, क्यों तेरे को किसी ने कुछ बोल दिया क्या नहीं नहीं मैं खुद सोच रहा हूँ कि मतलब नहीं नहीं क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं पैसे के पीछे इतना तो नहीं भागूंगा बट मैं अभी जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सोल्यूशन हर चीज का है ही पैसा तो क्यों ना एफर्ट मारा जाए पैसा कमाने का तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूबर बेटर देन अपने आर सेल करना सीन ये है कि जब uh, अगर तुम स्टैंड अप कर रहे हो सिर्फ तो तुम्हारी कमाई का जरिया सिर्फ तुम्हारा वहां पे पहुंचना है या तुम्हारा टाइम देना है, है ना बट यूट्यूबर्स अपने वीडियो अगर डाल देते हैं तो वो चलते रहते हैं और काम रहते हैं. Like, बार 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 ऐसा कोई भी इंजॉयमेंट मोनिटाइज करे बिना नहीं जाएगा तो पैसे देने ही देखो तो मुझे ये लगता है कि आ, मेरा आइडिया है कि मैं ज्यादा वीडियो नहीं डालूंगा मैं एक दो बस डाल दूंगा और बाकी तो मैं लाइव ही करता हूँ बट मैं सोच रहा हूँ मैं सारी ही डाल दूंगी क्योंकि मैं जो मेरे पास पैसे फिर इससे ज्यादा आए <laughs> और मैं क्यों आर्ट के चक्कर में आ, गरीब बना रहा हूँ तो हालांकि ये कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं वरना मैं अभी भी अमीर होता मैं ऑलरेडी अमीर होता बट मैं कह रहा हूँ कि ना एल्स स्ट्राइव तो स्ट है और ये जैसी चीज है इस पे आई पुट मोर एफर्ट एंड ट्राई टू पुट मोर वीडियो एंड ट्राई टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब स्पॉन्सरशिप जो की पहले कभी नहीं सोचा जो वो नहीं होता है अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यही टाइम है प्लग इन करने का वो <laughs> कि अगर आपको ये नहीं नहीं अभी कोई प्लग नहीं है अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो कोई यहाँ पे कुछ ऐसे एक बटन पॉइंट आउट हाँ, करके ये, ये ये सोने की अश्रफिया खरीदी <laughs> इसमें मुझे रॉयल्टी मिलेगी आई <laughs> थिंक <I think laughs> अगर स्पॉन्सर पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो ये पेड़ के नीचे आके पैसे रख जाएगा मेरी मर्च खरीदेगा मेरी मर्च का नाम है होंडा सेविक <laughs> उसपे मुझे कमीशन मिलता है <laughs> मैंने बहुत, बहुत बार सोचा था कि मैं कोई एक व्हाइट शर्ट टी शर्ट पहन के जाऊंगा स्टेज पे और मैं बोलूंगा कि दोस्तों अगर आपको मेरा स्टैंड लगा तो ये मेरी मोर्च है वाइट टी शर्ट ये सारे स्टोर्स में सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है <laughs> <laughs> आप इंटरनेशनली भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये सब जगह मिलेगी और जब भी कोई मेरे को व्हाइट शर्ट पहने हुए या टी शर्ट पहने दिखेगा मैं मुझे समझ जाऊंगा कि आप मेरे फैन हो <laughs> थैंक यू गाइस <laughs> ये प्यार देने के लिए और फिर फिर सारे फ्यूंडल्स में जाके कहूंगा वाओ गाइस <laughs> मुझे नहीं पता था व्हाट इज हैपनिंग डू व्हाट इज दिस आप मेरा कॉमेडी इतनी अच्छी लगी थी <laughs> ये कौन सा इम्प्रोव बेटा तेरा सही मेरा मर्च तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इसके अलावा क्या है जरा वाइट टी शर्ट के अलावा अगर जरा मर्च होता तो क्या होता तो फिर मैं बहुत एफर्ट डालता कुछ जो रेगुलर कपड़ा ही नहीं पहनता वो आदमी ऐसा कुछ ईयर कवर क्या <laughs> ईयर कवर बेचेगा तू मर्च <laughs> जो ठंड में ही पहनते हैं <laughs> मुफ, मुफ, लेकिन तूने वो देसी वाले नहीं देखे जो जो जिसमें कुछ मफी मटेरियल ही नहीं होता है बस वो एक कपड़ा वायर में कपड़ा में डाल देता है और लो उसके ऊपर अपना थप्पा लगा दो <laughs> बीस 20000 का देखा <laughs> ये मेरा मर्च है uh, that. hmm. अगर तेरे पास अभी क्वेश्चन okay, so अगर तेरे पास अभी एक करोड़ बहुत दस तुझे खर्च करने तो क्या चीज़ें खरीदेगा तू? तो? मतलब that doesn't change, affect your life at all. तेरी चल रही है, तेरे रेंट के पैसे सब आ रहे हैं तेरा जो भी तेरा डेली यूज का सामान है वो सब हो रहा है ये दस लाख विल नॉट अफेक्ट तो इसको सेव करने का ये मत बोल दी होगी एफ डी मैं कह रहा हूँ कि अगर खर्च करना है तो वॉट विल यू बायो तो फिर मैं आ... कैमरास और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट खरीदूंगा क्या यार क्या डेडिकेटेड आदमी ताकि पॉडकास्ट बना सकूं हां फिर किसी पे कुछ डिपेंडेंसी नहीं कैमरास भाई तेरे ये भी तेरी डिपेंडेंसी नहीं है नहीं कर सकता है आके कैमरास साउंड इक्विपमेंट और एक एडिटर <laughs> <laughs> भाई सा, सारी पिक्चरों मैंने uh, पूरा पासा ऐसी पलट देखा है तो मैं जितने भी पैसे दे रहा है उसके मैं डबल कर दूंगा कोई कहता सर मुझे तो वो लाख दे रहा है 1.2 टाइम्स कर दूंगा आ, <laughs> क्योंकि अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा क्लेम रख रहा है तो वो तुमसे वो नहीं मांगेगा पे स्लिप मुंह मांगा वो कुछ बोल सकते हो तुझे पता है ना कि जॉब्स में जब मांगते हैं मैं बाकी लोगों को भी बोल रहा हूँ कि जैसे जॉब में कोई बोलता है कि अपनी पिछली पे स्लिप दिखाओ हुँ. वो दिखाने की जरूरत नहीं होती <laughs> ये कोई रूल नहीं है दोस्तों मत दिखाया करो क्योंकि

और मुंह मांगे पैसे मांगो ऐसे मुंह मांगे नहीं मतलब मांग था तो खुले आम दस मांगो और बोलो कि मुझे मिलते थे, मैं तो आपके रहा है। है। और तुमको पता है इस बारे में ये नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है हाँ। पर मुझे लगता है जैसे ये सब बताते हैं ना कि आप ट्यूसडे को आईनोक्स में जाके उनसे एक फ्री पॉपकॉर्न हो

बिना खोले अनबॉक्स किए बिना डब्बे में बंद भी तुम ला सकते हो एक अलाउड है चाहे वो कितने का डेढ़ दो लाख का है तब भी चलेगा वन इज अलाउड उसके ऊपर तुमको फिर कस्टम में दिखाना पड़ेगा तो उस वीडियो में उस बंदे ने दिखाया कि उसने साबित कर दिया क्या दिया की रूल है और ब्लाबला ब्लाबलाइन वॉर्डर और क्या और वो कहता है वो आपको कैसे बता दो मुझे क्योंकि मैं ये चैनल देखता हूँ

शायद गलती बोला हुआ है <laughs> आप अगर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे तो गलती आ, बोला हुआ है अरे कोई नहीं मानता ये सब पर फिर भी आप पे स्लिप मत दिखाना फिर और बताना यहाँ पे आके बताना फिर बाद में क्या हुआ क्या <laughs> लात मार के भगा दिया इंटरव्यू से एक ये भी है यार कि बहुत सारे रील्स में और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें वो फिनेंस के तुमको टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे पर वो नाच नाच के समझाते हैं

मैं अभी थोड़ा सा इंटरेस्टेड खाली इन चीज़ों में हो गया हूँ कि कैसे मैं घर बैठे बैठे पैसे कमाऊँ <laughs> जो आज तक मैंने कभी नहीं सोचा मैं आर्ट तो आता ही है करके गुजारा तो चली जाएगा बट अभी गुजारे से नहीं हो रहा यार अभी मुझे लालच आ गया मैं लालची बन गया हूँ मुझे बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए और हर हर महीने एक फॉरन ट्रिप चाहिए <laughs> तो मैं कहाँ से लाऊ तो कैसे आप घर पे बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो कैसे घर पे स्टार्टअप खोल लो पापा को फोन करके मांग लो लैंडलाइन उठाओ घर का मैं देखो बोल रहा था ना कि वो ट्रिप ट्रिक की कैसे तुम पांच हजार में कनाडा में रह सकते हो तीन तो बंदे ने बताई ट्रिक और कहता है मान लो ये सब बहुत ही गंदी गंदी ट्रिक की खाना खाने के लिए मैकडॉनल्ड फेंकता है खाना पीछे उनको मांग लो तो दे देगा हाँ। ये सब और कहता है कि रह तो बुआ के घर लेना पंजाब की बुआ नहीं रहती है शिट फिर तो होटल के अलग लगेंगे बीस पच्चीस हजार लगते हैं आपका अलग थोड़ा रेयर केस है आपका अरे वो भाई इतनी गंदी ट्रिक तू तो कैसे मुंह खोल के वंचो वीडियो पे बता सकता है सारी ऐसी ही बताते हैं वो लोग कि इसमें कैमरे के अंदर पैसे बच सकते हैं तो वहां पे क्या होता है तुम इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाओ कोई चीज खरीदो और उसके बाद एक महीने के अंदर वापस कर दो तो पूरे पैसे वापस दे देते हैं तो इस ने जाके का सारा लिया और एक ने के, की के ले जाके है आ, 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 आप अपना पूरा ट्रिप ब्लॉग कैसे बनाए उसका बिना पैसे दिए आप उनका सीसीटीवी नेटवर्क हैक कर लीजिए और पीछे गाने तो चलना है तो गाना कुछ भी चला दे हाँ, राइट का आप देख आ, आप देख लेना बाकी बटुआ तो मार ही सकते हैं ऊपर बस डेट टाइम लिख के आता रहेगा <laughs> यार सीसीटीवी फुटेज देखने में बहुत मजा आता है तो आ, 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 वो सब सुना है आजकल कि वो सीसीटीवी फुटेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज के अंदर ही डिटेक्टर्स रहेंगे कि भाई वो क्रिमिनल ने इतनी मेहनत करके चोरी कर करके अपना घर बनाया वहां पे सीसीटीवी लगाया दिन भर अलाम ही बचता रहता तो ये तो चोर है तो मेरा घर है बहुत सर मेरे में क्यों अलार्म बजा रहे बट ये तो कुछ ज्यादा ही नई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई नही तो रेटिना स्कैन ये सब ऑब्वियसली ये सारे फॉल्टी मतलब अभी बग, बग बग प्रूफ नहीं है ये <laughs> किसी को भी पकड़वा देगा वो तूने वीडियो देखा था एक बंदा कहता है कि ये क्लाउड सर्वर जो होते हैं वो हम क्लाउड सीडिंग करते हैं बारिश के टाइम पे ना ये लीक हो जाता है डेटा <laughs> अरे बहुत से एक इंडियन पॉलिटिशियन कहता है तो कहता है ये लीक हो जाता है और इसकी वजह से आप देखो कि जंगलों के आसपास होता है ये लीक होता है डेटा आपका जो आप क्लाउड में अपना डेटा फीड करोगे वो बारिश में कहीं जाके गिर जाएगा तो उसके चक्कर में ये लोग कह रहे हैं आधार कार्ड का सारा ये क्लाउड में फीड करेंगे पर एक का भी अगर गलत हो गया तो कोई इनोसेंट आदमी को पकड़ लिया जाएगा और पॉइंट भी नहीं पॉइंट भी नहीं पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट बंदा भी अगर इस गलती की वजह से अगर जेल चला गया तो कौन जिम्मेदार होगा भाई इतना कॉन्फिडेंटली उस बंदे ने बोला और और जो रिपोर्टर था ये बहुत पुराना वीडियो तो है मिल जाएगा और रिपोर्टर था और वो हंसी रोक के बैठा हुआ है भाई उसने एक बार भी पॉइंट नहीं किया कि सर आप क्या चूतिया बातें कर एक एक कहता है कि आपको पता है ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर कोई बड़े ऑफिसर्स होते हैं ये लोग का फोन यूएस वगैरह में इन लोगों का फोन जो है वो कभी भी बेचते नहीं है वो कहते हैं कि हथौड़े से तोड़ दो उसको फोन की बैटरी भी तोड़ देते हैं सिम कार्ड भी तोड़ देते हैं क्योंकि कई बार सिम कार्ड का जो डेटा है वो बैटरी में लीक हो जाता है तो अगर बैटरी किसी को मिल गई तो फिर तुम्हारा डेटा उनको मिल जाएगा और इसलिए अमेरिका में अगर आप कबाड़ी के पास जाओ <laughs> तो, तो, तो कबाड़ी वाला कहते हमेशा प्रूव करने के लिए ऐसी चीज बोलते हैं कि आप अगर जंगल में जाएंगे तो आपको डेटा पड़ा हुआ मिलेगा तो कह अगर आप यूएस में कहीं किसी भी कबाड़ी के पास जाओ और अपना फोन दो तो कहेगा कि मैं आपको बहुत पैसे दे दूंगा इसके बस आप ये बता दो ये फोन था किसका क्योंकि बैटरी से इसका डेटा निकाल लूंगा और फिर उसको मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ भाई उसने जो बढ़िया तरीके से उसने फेंका है बंदे ने मजा आ गया था ये एक कॉमिक उस दिन कुछ ऐसी कुछ ट्विट रहा था शाहरुख खान पर शाहरुख खान पे कहता है इसीलिए आप देखोगे शाहरुख खान की कोई सिगरेट पीते हुए फोटो नहीं है मैं मैं स्टेज पे गया कहा भाई ये देखो एसआरके स्मोकिंग फोटो आ अच्छा वो ये शाहरुख खान ने गूगल से पूरी हटवाई दी है सारी नहीं तो आज तो किसी ने कैप्चर नहीं कर पाया उसको सिगरेट पीते पी हुए इंटरव्यू पे सिगरेट पी रहा है इंटरव्यू पे सिगरेट पी रहा है डॉन में सिगरेट पी रहा है <laughs> <laughs> आज शाहरुख खान के खिलाफ हमको सारे सबूत मिल है सीसीटीवी <laughs> की बात करूर एच डी में है, प्रूफ। भाई किसी बंदे ने ऐसे बोला था कि ये जो ये जो डब्लू डब्लू है ये तो नकली होता है तो तुम लोग इतना इसमें इन्वेस्टेड क्यों तो तुम्हें बोला पता है ना बाजीगर में मरता है शाहरुख खान सच में जिंदा घूम रहा है बाहर

ये तो भी शोज में दिखाते हैं यार मतलब ये जो बॉलीवुड हंगामा टाइप की चीजों में कि वो वो बेसिकली घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कि इसने क्या स्कैंडल किया है तो जैसे वो ऋतिक रोशन के घर के बाहर है उन्होंने ऐसे वीडियो डाल दिया कि ऋतिक रोशन की और सुजान की लड़ाई हो गई और तो उसने चाटा मार दिया ऐसे दिखा दिया और भाई उन लोगों ने इतना गंदा एडिट किया है कि दिख रहा है कि सुजैन ऐसे खड़ी हुई है और उन्होंने एडिट करके उसका हाथ यूं निकाल दिया वो इतना लंबा हाथ है तक दिख रहा है वो है वो ऑब्वियसली नकली इन लोगों को यही है इनका है कि हमारा जो ऑडियंस है वो वो इतनी है कि वो जरूर क्लिक करेगी और वो मिनट करती, करती है और जैसे अब मेरे को तो मालूम है कि इसमें कुछ नहीं होगा तो भी मैं क्लिक करके की है क्या आखिर डाल सकते कार्तिक आर्य कमेंट ऑन नीना गुप्ता वेर शॉर्ट्स शॉर्ट अभी क्या होगा भाई लेकिन तो भी मैं जाऊंगा देख के फिर वो पहले कहें नीना गुप्ता ये थी वो थी अभी बधाई उसे कार्तिक आरियन जब आया था ये आया था ये आया था फिर फोटो ही नीना गुप्ता की शॉर्ट्स में और कार्तिक आरन का लुकिंग ग्रेसफुल में <laughs> यार यही है देख ये ट्रैक्शन ही लेते हैं आ, जो स्टोरी टेलिंग का है वही क्लिक बेट का भी है वो कर लेते हैं जो इसीलिए तो इतने टाइम चला यार बस स्पीड का जो बिजनेस मॉडल था जो सबने कॉपी किया स्कूप स्टोरी पे पचास कंपनियों ने वो यही था

थोड़ा सा स्क्रीन से दूर रह के इन जनरल किताब लेके थोड़ा सा शांत फील हो अग्रीड अग्रीड है? तभी सब कहते हैं ना सोने से पहले तुम कोई कोई नहीं कहता सोने से पहले एक रोज फिल्म करो बढ़िया नींद आएगी हाँ यार ले हाँ तो रीडर्स को लेकिन रीडर्स जो है वो फ्लॉन्ट करते हैं कि भाई हम रीडर हैं और तुम रीडर नहीं हो तुमको ज्यादा बुक नहीं पढ़ते अच्छी लेकिन मूवी वाले कभी नहीं करते कि हम तो 12 घंटे पूरा बिंज कर देते हैं शो इस पे कोई इज्जत नहीं करता जबकि वो भी बड़ी बात है भाई तुम मैंने अभी कौन सा शो आया था ये फ्लाइट uh, अटेंडेंट कि तुम आंख में दर्द हो रहा है तो भी तुम बैठे हो देखे जा रहे हो काना हो गया हूं <laughs> एक शो पूरा खत्म कर दिया एक दिन में तुम देख रहे हो <laughs> काना क्यों एक एक आंख खराब दो शो एक साथ देख रहे हो ऐसे देख फ्लाइट अटेंडेंट नाम का शो है जिसमें ये पेनी है ना बिग बैंग थ्योरी वाली केली थी <laughs> तो उसका शो है और अच्छा है वो शो बढ़िया है मतलब कंपेलिंग है इसलिए मैंने पूरा पूरा एक दिन में देख लिया बट उसमें ना लाइक कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है वैसे ही मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई है तो लड़की एल्कोहलिक है और उसकी मेंटल हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं उसको बहुत फोरग्राउंड में डाल के बार बार ऐसे दिखाया गया है कि हर थोड़े टाइम में उसको फ्लैशेस आते रहते हैं और उसके दिमाग में कमरा बनता है वहां पे वो और उसकी इनसिक्योरिटीज़ कोई एक कैरेक्टर आके उससे बात करता है तो काफी अगर देखना है तो देख लो थिएटर जैसा बोरिंग नहीं है इट इज इंटरेस्ट अगर थिएटर वाले ये देख रहे हैं तो उनको भी पता होगा तो कि ये थिएटर से ज्यादा बेटर थिएटर जाके देखो ना फिर अपना कॉन्वर्सेशन विद गॉड

<laughs> एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार उसने आ, बोला था तो एक मैं पिछ... एक क्लिक बेट का एक और वो देखा हाँ बता मेरे को एक जो, जो जैसे सारे इंटरव्यूज घटे घटे पुराने देखते रहते ना बॉलीवुड के हाँ। एक तो एक और ये भी देखता रहता हूँ मैं रजत शर्मा की अदालत देखा है तूने हाँ? जिसमें इतना आ, वो जो गिमेक है कि अदालत में आप पे आरोप लगा है वो गिमेक दो सेकंड में खत्म हो जाता है <laughs> बाद में ऐसा लगता है क्यों बेचारे को एक पे, क्या है? <laughs> कि और तो कल मैं जॉन कहता है, है आप अपनी बॉडी से बहुत है। <laughs> मतलब यही मीडियम है <laughs> 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 रहे, दोस्ताना में आपने करा था ऐसे वो था पिक्चर में दिखाना था कि एक अट्रैक्टिव आदमी है तो उसमें था कह रहे आपने न्यूयॉर्क में भी न्यूड सीन करा है कह रहे सर वो टॉर्चर सीन था <laughs> <laughs> मैं टॉर्चर सेल में था <laughs> बहुत बहुत, बहुत। <laughs> कि टक्सीडो पहना के थोड़ी मारेंगे <laughs> <laughs> कह रहे टॉर्चर में सबसे पहले आपके कपड़े उतारते हैं वो ताकि आपको शर्म आए हुए तो वो तो न्यूड सीन तो मैं नहीं कहूंगा सर उसको वेरी फनी डूड यार यही यहाँ पे जो जर्नलिज्म की जो बेजती होती है ना वो ये एकदम फोरग्राउंड पे आती है कि बंदे इतने सवाल पूछ रहे हैं कि एक्टर खुद बोल रहे है कि यार कम रह से कम थोड़ा तो मर्यादा रखिए अब जॉन जॉन इब्राहिम बहुत अपॉर्चुनिस्टिक बंदा है पता क्या करता है एक उसको पता है कि इस समय आ, इंटरनेट पे वो चेस बहुत चल रहा है है ना तो चेस खेल रहा है वो चेस नहीं खेल रहा है वो एक इंटरव्यू में आया और कहता है ये सब तो मुझे इतना बाइक का शौक नहीं है मेरा असली शौक तो चेस है कैमरे की तरफ देखे चेस मुझे बहुत पसंद है जिससे समय बुलाए और स्ट्रीम पे और लोग देखे बट बहुत ही मुझे बहुत वैसा लग एक बारी मेरी नानी ने ऐसी रैंडमली बैठी हुई थी कुछ बात कर रही थी फिर कहती है जॉन ने सही करा बेपाशा को छोड़ के उट ऑफ कॉन्टेक्ट जब बोलते हैं लोग तो बहुत बनी मेरे क्लास में मेरी हिंदी टीचर ने एक बार बताया बोला था कहती हैं कि तो उस समय न्यूज ऐसी आ रही थी कि विवेक ओबे ने एक गाँव गोद ले लिया ठीक <laughs> है तो कहती है वही मैं कहूँ ऐश्वर्या राय इसके पीछे कैसे पड़ सकती है ये तो इतना बंदर जैसा दिखता है हाँ। यही बात होगी दिल का बड़ा अच्छा होगा ये मेरी हिंदी की टीचर बोल रही है मैंने कहा हद हो गई है। भाई, जब लोगों को इसमें बहुत मजा आता है तभी <laughs> <laughs> वही <वे>, मैं कहूँ <कहुं। laughs> अच्छा ऐश्वर्या राय एक कान से बह सलमान ने चाटा मारा होगा ठीक है तो क्वेश्चन फॉर द पॉडकास्ट ये एक बंदे ने फिर से पूछा है क्योंकि पहले पूछ चुका था मैं सिंगर राइटर पोएट कमेडियन फिल्म मेकर कंटेंट क्रिएटर जर्नलिस्ट सब कुछ बनना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या फॉलो किया जाए एक्चुअली <laughs> इनमें से कई hmm. इन सारी चीजें कवर हो जाती हैं इन्फ्लुएंसर में अगर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाओ तो यू विल बिकम सिंगर राइटर पोएट कमेडियन फिल्म मेकर मतलब इसका नेचुरल इंक्लिनेशन किसी की भी तरफ नहीं है या फिर सबकी तरफ मतलब उसको बेसिकली एंटरटेनमेंट uh, में फील्ड में कुछ करना है तो या इंस्टाग्राम uh, पे शुरू कर दो आई थिंक वो दैट इज अ गुड आइडिया मैं पहले बहुत हेट करता था पर अभी नहीं करता मुझे टिकटॉक भी बहुत सही मीडियम लगा था भाई टिकटॉक मुझे बहुत क्रिएटिव लगा काफी लगा काफी create, हाँ। ऐसी ऐसी चीजें जो आई थिंक में बिकॉज ऑफ एलियट इसमें नहीं आते थे उन लोगों के मैंने ऐसे वीडियो देखे जिसमें बंदा बेसिकली फोटोग्राफी की ट्रिक्स बता रहा है वो बहुत पॉपुलर हुए थे वीडियोज तो वो पता ही क्या करता है एक पाइप लेता है

इट टू कॉल वाले हिट हो गए पंचर वाले हिट हो गए तो उनको लगा चलो सबके लिए ये मीडियम सबसे बड़ी चीज जो उसने सोल्व करी थी एडिटिंग एक बहुत एलिट वो है रिस्ट्रिक्शन मतलब हम लोग भी उसमें एडिट कर उसमें सकते। एडिट तुम्हारा इंटरफेस एडिटिंग के लिए बहुत इजी बना दिया था हम लोग भी तो इसमें अटक जाते हैं कि अभी इतना सारा शूट हो गया इसको कौन एडिट करेगा करें हाँ। और वो सीखना बहुत बड़ा बैरियर है तो अगर इंटरफेस right. एडिटिंग के लिए इजी है तो फिर वो कुछ भी कर तभी तो वो स्लो मोशन अचानक से आ जा रहा है वो उल्टा डंडा फेंका तो रिवर्स में डंडा पकड़ लिया वाला उसने वो कर दिया वो सब कुछ एडिटिंग सोल्व कर दी थी सबसे बड़ी टिकटॉक ने यू आर राइट और ये चीज जब टिकटॉक का सब कुछ कॉपी कर ही हाँ। दिया टिकटॉक जब गया तभी तो इंस्टाग्राम पे रील्स आई है तो एडिटिंग वाला वो भी कॉपी कर ही लेते हैं मतलब काफी सारी चीज़ें वॉइस ओवर वगैरह करना ऐड करना ये सब कुछ कुछ स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम ने बट पूरी पूरा नहीं है पूरी तरह से नहीं कर पा रहे आ, कैसे पता करूँ कि मैं सिर्फ अपने इमोशंस में आकर पैशन को फॉलो कर रहा हूँ और उस चीज में करने के लिए हुई ही नहीं एक्चुअली कुछ और है मेरा पैशन तो बहुत ईजी है बस सात आठ साल बर्बाद होते हैं

कि टोटल जितने प्रोफेशन से डेढ़ सौ प्रोस्टिट्यूट इन लोगों से पूछने लायक क्या है ये छह चीज हाँ फिर इसमें से ये, ये इनसे पूछ लेते हैं आर्कियोलॉजी और प्रोस्टिट्यूट एक सेंटेंस में कभी नहीं देगा मैं क्यों भाई अगर वो ओल्डेस्ट प्रोफेशन है हाँ <laughs> तो <laughs> एक बहुत बूढ़ी प्रोस्टिट्यूट और कुछ करे ना करे <laughs> अगर वो जब आर्कियोलॉजिस्ट या पुराना कुछ डिगअप करते हैं

तेरा सबसे टफ डिसीजन आज तक क्या रहा है और तूने कैसे लिया उसको ये <laughs> नींबू चाटने वाला सोल्यूशन अगर हमारे पास होता तो हम चाट के बैठे होते अभी तक तो ब्रे ब्रेकअप करना है कि नहीं करना है वो रहा है वो टफ था हाँ और वो फिर डिसाइड ऐसे करा कि उसने चीट ही कर दिया आई <laughs> थिंक <laughs> <laughs> ये गॉड मेरे से कुछ कहना चाह रहे हैं

<laughs> uh, माफ किया करना है या तो ये कर सकते हो कि मैं भी करके आऊंगा <laughs> हाँ। वो तुम ढूंढ के दोगी मुझे <laughs> फिर तो वो दे देगी ना कुछ ऐसा बंदा बंदी उसकी दोस्त दे देगी वो नहीं मैं उसे ड्रॉ करके <laughs> ऐसा कोई चाहिए मुझे अब तुम ढूंढ के लाओ नहीं नहीं नॉट बट तू ये कह रहा रहा है है कि अगर बराबरी है तो, तो तो फिर फिर रह लेगा वो रिलेशनशिप थोड़ी मैं 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 जो मार चल तेरे को बताता हूं। हाँ. मैं एक बारी एक रिलेशनशिप में था जिसमें किसी ने चीट करा था साल भर डेट करा था फिर किसी ने चीट करा था किसी ने एक ही लड़की हाँ, के साथ तक भी मैं रहा था

हाँ तो पॉइंट यही है कि मतलब अगर चीट कर दिया तो देन आई थिंक अनलेस देन इट बिकम्स देन योर लाइक ही अब ये रिलेशनशिप ओपन हो गई है क्योंकि तुमने चीट कर दिया तो ना अब हम दोनों ही ओपन है अब या तो ये कर लो तब तो चल सकता है ना लेकिन तब भी तुम लड़ोगे कि भाई द वे जब तुमने चीट किया था तब ओपन नहीं थी हाँ। मैं हाँ क्लोज में चीट किया था तो पलड़ा अभी भी मेरा भारी हाँ ये जो पावर डाले में जिसमें तुम ऊपर हो हाँ वो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए ही अच्छी हो सकती है तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती तो वो ही है तो वही है बस तुम्हें सामने वाले को कन्फ्यूज रखना है क्यों। <laughs> अरे तुम्हें मजा आ रहा है उस दिन बोलते रही थी तुम तो ये तो मस्ती में ही बोलते हैं लोग <laughs> यार हाँ आई थिंक वो है अगर चीटिंग करने के बाद भी रिलेशनशिप चल रही है तो इसका मतलब दूसरा बंदा तुम्हें बता नहीं रहा है पर वो भी चीटिंग ही कर रहा है नहीं तो आ, जैसे शादियों में होता है वो ये भी होता है कि शादियों में बहुत कि जाने को ही नहीं है कहीं और वो साथा? तब हो जाता है इसलिए लोग कहते हैं सो मच कि बच्चा कर लो क्योंकि वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे फिर तुम भाग नहीं सकते अगर तुमने बच्चा कर लिया और उसके बाद ऐसी कोई लड़ाई हो हो गई जिसमें तुम कह रहे डिवोर्स ले लेंगे ले तो मैं यार बच्चा क्या करेगा बच्चा नहीं और अगर मान ले बच्चा नहीं भी है तुम अगर तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं है भाई तुम्हारी डिपेंडेंसी उस शादी में कि सिर्फ हस्बैंड कमा रहा है बट तो कैसे वो निकलोगे वो एक्चुअली जब लोग निकल जाते हैं तो वो कोई तरीका ढूंढ लेते हैं पैसे जैसे हम कहते हैं ना कि हाथ पैर मार के फिर किस तरह किस तरह से पैसे आ जाते हैं लेकिन वो है, हाँ। वो उसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए निकल हाँ, निकल हाँ। तो वो I don't think, वो सब में हिम्मत होती है और बहुत सारी रिलेशनशिप अब्यूजिव भी रहती है मतलब शादी जो अब्यूजिव रिलेशनशिप है लेकिन उसमें भी वो निकल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आदत हो गई भाई

भाई मतलब मैरिड है कपल और उनके बच्चे बच्चे हो गए वो पढ़ के अपना अपना सेटल हो चुके हैं दिस गाइस इज़ वॉट फिफ्टी फिफ्टी फाइव बट सो बट दिस गाइस इज़ गे बट इज़ नेवर कम आउट इन द रिलेशन या फिर पता होगा उनको जो भी है एंड नाउ दिस हैज एन अफेयर विथ अ यंगर गाय मैरिड विथ किड्स किड्स ऑल्सो आर मैरिड एंड दिस हैज एन अफेयर एंड इज अ लर्नड गाय एजुकेटेड गायज एन अफेयर विथ समबडी तो, तो वैसा था ना कि उसने सब सारी अपनी रिस्पांसिबिलिटीज खत्म कर ली खत्म कर ली लेकिन अब, अब जो उसका एक्चुअल मन था करने का वो कर रहा है तो बट व्हाट डस द पार्टनर अगर उसकी बीवी का क्या यंग लड़की ढूंढे <laughs> वो यंग लड़की ढूंढे <laughs> हाँ काउंटर एक्ट करने के लिए अगर यंग लड़का ढूंढेगी तो तो वो चीटिंग हो जाएगी ना <laughs> वो सेम लड़का ढूंढ ले

आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा ये वाला अगर आपने पिछला कुछ नहीं देखा पिछला, है। पिछला बहुत इम्पोर्टेंट ये है। भी एंड पे प्लेस्ड है <laughs> ये पूरा आप देखिए अगर आप डेढ़ दो घंटे का जो भी है अगर ये आप देखेंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा और पिछला देखने के बाद ये देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा और, और बाकी हम लोग का काम देख लो आप और अगला जो एपिसोड आएगा वो हमको अभी नहीं पता है क्या होगा पर उसके लिए क्वेश्चन अगर आपको भेजने का मन है तो अभी भेज दीजिए we'll जो क्वेश्चन थे हजार लोग देखते हैं मजाक नहीं है फॉलो uh, कर लेना और प्लीज फॉलो चिराग इंस्टाग्राम प्लीज फॉलो मी ऑल्सो कातिल कबूतर बाकी ठीक है यार जो मन हो अपने आप कर लो चलो बाय